तो विषय वस्तु से परिचित हैं आप लोग। ये पूरा कंप्लीट अब तक की जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं का ये समग्र सार है। जितनी भी योजनाएं महत्वपूर्ण हैं मैंने प्रयास किया है, सरकार के द्वारा जितने भी एप्लीकेशंस जारी किए गए हैं, वेबसाइट जारी की गई हैं, पोर्टल्स जारी किए गए हैं, वो सारे पोर्टल्स वेबसाइट भी यहाँ पर मैंने प्रयास किया है जो इम्पोर्टेंट हैं। फिर भी मुझे समग्रता इतना करने के बाद भी नहीं लगी, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा तब जा कर के कम्प्लीट होगा, हो सकता है तीसरा भी आए। फाइनली इसमें बहुत पुरानी योजनाएं भी हैं और बहुत नई योजनाएं भी हैं, हर तरीके की योजनाएं हैं। बहुत सारी योजनाएं ये हैं जिनको अब नए रूप में विकसित किया गया है, पुरानी योजनाओं को एकीकृत कर दिया गया है, एक दूसरे पे मर्ज कर दिया गया है, तो वो भी है। ठीक है, तो लगभग लगभग आने वाले 2-3 घंटे आप लोगों को मेरे साथ कंसंट्रेशन के साथ बैठना है। ये एक बहुत बड़ा नॉलेज है जो बहुत कम समय में आपके दिमाग में जाने वाला है। मैक्सिमम काम मेरा होगा कि मैं आप लोगों को ये नॉलेज अच्छे से पहुंचा सकूं। आप लोगों का काम होगा बस मुझे ध्यान से सुनना। यदि आप सिर्फ सुन सके तो जितना टाइम आपको इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा लगता है वो कम समय में जाएगा। निश्चित तौर पर ये सेशन लंबा खींचेगा, इसलिए प्रयास ये करिएगा कि दिमाग इधर उधर से भटक कर यदि 2-3 घंटे आप मेरे साथ कंटिन्यू रह गए तो बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। 2-3 घंटे का मतलब है कि बस प्रॉपरली अब पूरा जितना भी आपका कहीं पर भी ध्यान है उसको क्लास के अंदर लाओ, इधर उधर से भटका हुआ ध्यान क्लास में लाओ, और क्लास में लाने के बाद बाकी के काम मेरे ऊपर छोड़ दो। एक एक योजनाओं को आपके दिमाग में फीड करते चले जाएंगे। ज़्यादा जो जो इम्पोर्टेंट था, योजनाओं में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो जो इम्पोर्टेंट था बस उतना ही फैक्ट मैंने इसमें डाला है। और यदि आप इनको काम कर लेंगे ना तो जितने भी एग्ज़ाम हैं बहुत प्रभावी तरीके से काम करेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ये सतत पूछी जाती हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि ये योजना बहुत पुरानी हो गई तो नहीं पूछी जाती। भारत निर्माण कार्यक्रम आज भी पूछा जाता है, मनरेगा स्कीम से आज भी क्वेश्चन आते हैं जबकि ये काफ़ी पुरानी हो गई स्कीमें, इसके बावजूद भी क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है किसी भी स्कीम से। इसलिए आप कभी भी ये मत सोच के चलिए कि ये बहुत पुरानी स्कीम है, कुछ भी है। ठीक है, शुरू करें, प्रारंभ करें। देखो पहले आसान भाषा में समझते हैं, जो भी राज्य होता है, राज्य एक लोक कल्याणकारी संस्था होता है, ये बात समझते हैं। स्टेट किस लिए बनाया जाता है? पब्लिक वेलफेयर के लिए। राज्य का काम होता है कि जन कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य करें। और चूंकि आप लोगों ने पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ा होगा कि राज्य का एक अभिन्न अंग सरकार होती है, राज्य 4 तत्वों से मिलकर बनता है, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो उसमें एक टर्म्स आता है गवर्नमेंट का, एक उसका पार्ट है, अभिन्न अंग है गवर्नमेंट, सरकार। सरकार के बारे में आप जानते हैं कि 3 आधारभूत स्तंभों से मिलकर के गवर्नमेंट का निर्माण होता है। एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था, उत्तरदायी प्रशासन करने के लिए सरकार कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के माध्यम से कार्य करती है, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। तो जो सरकार की एक संस्था है कार्यपालिका, उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बॉडी होती है जिसे बोलते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इंडिया के अंतर्गत, और इसी का काम होता है भारत सरकार के लोगों के प्रति उत्तरदायित्व रखना, उसका जो निम्न सदन है संसद के प्रति और संसद के माध्यम से उसके लोगों के प्रति, समझ रहे हैं। तो मंत्रिपरिषद के द्वारा विभिन्न मंत्रालय हैं, उसमें बहुत सारे मंत्रालय हैं, और उन मंत्रालयों के द्वारा लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए सामाजिक न्याय को लोगों तक पहुंचाने के लिए, समाज के सभी वर्गों को सभी प्रकार की योजनाएं देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं समय समय पर, है ना, समय समय पर शुभारंभ किया जाता है, और इन योजनाओं के माध्यम से जन तक वित्तीय समावेशन, समावेशी विकास, सतत विकास, सामाजिक न्याय जैसे विभिन्न मुद्दों पर कार्य किया जाता है। तो इनमें से देखिए मैंने जो कार्य किया है, पहले मैं इस बार इस बोर्ड को आपको बता दूं जिसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा है। इस बोर्ड में मैंने जो अपडेटेड योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री नाम से बहुत सारी योजनाएं निकली हैं, प्रधानमंत्री नाम की बहुत सारी योजनाएं पुरानी योजनाओं का नया रूप भी हैं।
तो उनको मैंने सबसे पहले रखा है, जिनमें से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता योजना, प्रधानमंत्री वयम वंदना योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, जनधन योजना, मातृ वंदना योजना, गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास विकास योजना, सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये पुरानी योजना है फिर भी क्वेश्चन आते हैं इससे, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अभी चालू हुई है ये, और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना अभी ये जस्ट लेटेस्ट योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। तो ऐसी जितनी भी प्रधानमंत्री के नाम की योजनाएं हैं उनको मैंने एक कैटेगरी में रखा है। सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे और ये इम्पोर्टेंट हैं, लेटेस्ट हैं, पहली चीज़ तो ये। और ये जितनी लगभग लगभग योजनाएं हैं जिनमें प्रधानमंत्री लगा मिल रहा है आपको, ये मान के चलिए कि ये मौजूदा सरकार की योजनाएं हैं। इनमें से एक दो योजनाओं को छोड़ दें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये अटल जी के टाइम पीरियड की योजना है, ठीक है। तो ऐसे कुछ योजनाओं को छोड़ दें तो लगभग लगभग योजनाएं लेटेस्ट हैं जो मौजूदा सरकार ने अभी जारी की हैं। अब ये बोर्ड देखकर आपको एक चीज़ तो लग रहा होगा कि सरकार ने काम तो बहुत सारा किया है। निश्चित तौर पर हो सकता है कि आपको जानकारी का अभाव हो, हमारे जो हमारी देश की जनता है उसको भी सारी योजनाओं के बारे में पता नहीं होता, तो निश्चित तौर पर लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते। तो यहाँ से दो चीज़ें होंगी, पहले तो आपको एग्जाम के रिलेटेड जानकारी मिलेगी, दूसरा सरकार की सक्रियता के बारे में जानकारी मिलेगी, तीसरा शायद आप कुछ योजनाएँ ऐसी जान जाएँ जिसका लाभ आप दूसरों तक भी पहुँचा सकें, ठीक है। तो ये सिर्फ एक क्लास के तौर पे ना लेकर के आने वाले समय में आप बहुत सारी चीज़ें, अब देखो इसका क्या क्या रोल होगा, फिल्म्स के पूछे जाने वाले क्वेश्चन योजनाओं से आपके सारे यहाँ पर होंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण रोल है वो मेंस में है, मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कृषि से जुड़े हुए आते हैं, बहुत सारे आपकी योजनाएं विज्ञान प्रौद्योगिकी से हुए आती हैं, बहुत सारी योजनाएं आपके शहरी विकास से आते हैं, तो ये सब आप योजनाएं डाल सकते हैं, फैक्ट में इससे में आप योजनाएं डाल सकते हैं, इसलिए आपको योजनाएं आना पता होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक तो ये योजनाएं आपकी प्रधानमंत्री ली हैं, फिर राष्ट्रीय शब्द जहाँ जहाँ पर योजनाओं से जुड़ा हुआ है, अब राष्ट्रीय वाली बहुत सारी प्रधानमंत्री बन गई हैं, है ना, उनको एकीकृत कर दिया, इंटीग्रेटेड कर दिया गया, मिला करके प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो कुछ राष्ट्रीय योजनाएं बहुत सारी हैं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन है, है ना, एक आपका राष्ट्रीय सौर मिशन है, राष्ट्रीय आयुष मिशन है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय सतत कृषि अभियान मिशन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान है ना, ये अब नाम चेंज हो गया इसका नाम अब अब्दुल कलाम जी के नाम पे हो गया, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी और उनकी 27 जुलाई मुझे डेट याद है, 27 जुलाई 2015 को उनका देवासान हो गया, उसके बाद उन्हीं के नाम पे योजना रखी गई, शायद 9 जुलाई 2015 को उन्होंने ये योजना प्रारंभ की थी देश के युवाओं में गणित और विज्ञान को लेकर के। तो राष्ट्रीय आविष्कार योजना, ऐसे करके जितनी भी आपकी योजनाएं राष्ट्रीय शब्द से जुड़ी हुई हैं, जैसे एक राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम चालू किया गया है ना, तो ये आपकी बहुत सारी योजनाएँ हैं जो राष्ट्रीय है। मैं ये भी अभी मैं कभी भी इस चीज़ का दावा नहीं करूँगा कि कंप्लीट है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च की है, पूरी रात 12-13 घंटे की मेहनत है जिसमें मुझे डेटा बहुत ज़्यादा मिल नहीं पा रहा था, तो जितना मिला है उतना कर पाया हूँ। मुझे पता है कि अभी बहुत सारा डेटा मैं खुद नहीं ढूंढ पाया हूँ, और मिलेगा तो मैं और लेकर आऊँगा आगे, लेकिन जब भी आएगा तो उससे और कम्प्लीट होगा। इसके बाद जो है मैंने आपकी जो अन्य योजना, जैसे मनरेगा एक पुरानी स्कीम है लेकिन हमेशा चर्चा में रहती है क्योंकि बजट एलोकेशन होता रहता है, भारत निर्माण कार्यक्रम ये पुराना कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से UPPCS और अदर PCS में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक बार जो है मैं चाहता हूँ कि इसको भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, मैंने इसको भी यहाँ पे लिया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आप जानते हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्वदेश दर्शन योजना, हृदय दर्शन योजना, हृदय योजना, प्रसाद योजना, ये सब पर्यटन मंत्रालय की योजनाएं हैं, भारत में टूरिज्म डेवलपमेंट को लेकर के बनाई गई हैं, तो ये योजना मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसके बाद जो है आपकी कुछ इंटरप्रेन्योरशिप कल्चर के लिए हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया,
उदय स्कीम, उजाला योजना, श्रमेय जयते, वरिष्ठ पेंशन, ये कुछ आपकी वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई हैं ताकि उनके लिए पेंशन, ये वित्त मंत्रालय की योजनाएं हैं। वरिष्ठ पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, ठीक है, यहाँ पे बनी हुई है कुछ। प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ऐसे करके कुछ योजनाएं हैं जो यहाँ पर भी वित्त मंत्रालय की हैं। पेंशन स्कीम, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद आपका मिशन इंद्रधनुष दो है, एक बैंकिंग सेक्टर के लिए बनाया गया है, 7 चीज़ें उसमें हैं, कैसे बैंकिंग सिस्टम को हमें डेवलप करना है, जिसमें बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम आपने सुना होगा, वो संस्था भी उसी के तहत है। संसद आदर्श ग्राम योजना खूब सुनी गई है, खेलो इंडिया प्रोग्राम इस समय खूब चल रहा है, ये अमृत मिशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में पढ़ेंगे, 7 कार्यक्रम ये प्रारंभ किया है नीति आयोग के द्वारा, कोऑपरेटिव फेडरिज्म के लिए शुरू किया गया है, सहकारी संघवाद के लिए, तो 7 कार्यक्रम के बारे में समझेंगे। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, भीम आधार ऐप खूब यूज करते हैं आप लोग यूपीआई के माध्यम से, ये है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। इसके बाद आपका एक बैंकों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बैंकों के साथ क्या रहता है, बैंकों का पैसा जो है आप देख रहे हैं एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। दरअसल बैंक जो आपसे पैसा लेता है वो उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं है, उसके लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। जो पैसा जाके आप बैंक में जमा कराते हो वो उसके लिए एक लायबिलिटी है, समझ पा रहे हैं, उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं होता। उसको बेनिफिट तब मिलता है जब उस पैसे को लोन में घुमाता है और उससे जो उसे पैसा वापस मिलता है। लेकिन आम तौर पे देश में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके कारण से, पहली बात, सही तरीके से लोन देते समय जानकारी नहीं प्राप्त की जाती बैंकों के द्वारा, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ये नियम लाया गया, ये तो जब से ये 2-3 मुद्दे हुए, नीरव मोदी वाला कांड हुआ या माल्या का कांड हुआ, तो एक अधिनियम लाया गया आपका, सरफेसी स्कीम लाई गई, जिसके तहत जो ये लोग लोन के तहत लोन में अपना या तो अपने परिसंपत्ति रखते हैं, है ना, पर संपत्ति के अलावा या कारोबारी संपत्ति रखते हैं, तो बैंक चाहे तो इसकी नीलामी कर सकता है। इस अधिनियम के बारे में भी पढ़ाऊंगा। उन्नत भारत अभियान क्या है, वन बंधु कल्याण योजना क्या है, मेगा फूड पार्क योजना क्या है, दरवाजा बंद अभियान, इसके बारे में सुना होगा, अमिताभ बच्चन जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था ये अभियान। इसके बाद वन नेशन वन राशन, इस समय बड़ा चर्चा में चल रहा है ये विषय। इसके अलावा आपका सर्व शिक्षा अभियान, पुराना अभियान है, मिड डे मील योजना आप भी जानते हो बहुत पुराना है ये, तो पढ़े भारत बढ़े भारत अभियान, उड़ान योजना, कलादान परियोजना, कलादान थोड़ा सा मैंने आईआर से उठा लिया है, दरअसल ये बहुत चर्चा में है कलादान प्रोजेक्ट आपका, सेतु भारतम कार्यक्रम इसके बारे में पढ़ेंगे, सुगम्य भारत अभियान दिव्यांगों के लिए शुरू किया गया है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बैंक बोर्ड ब्यूरो ये क्या है ये भी चर्चा में है, मिशन इंद्रधनुष के तहत इसको बनाया गया है, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना जानते हैं गोल्ड बॉन्ड स्कीम, तो इसमें भी कुछ अभी अपडेशन आया था इसलिए मैंने इस स्कीम को भी उठा लिया है, कुछ चीजें अपडेट की गई हैं, अभी संशोधन हुआ है, सक्षम योजना, नमामि गंगे अभियान, स्मार्ट सिटी अभियान, विद्यांजलि योजना, सबला योजना, ठीक है, वन रैंक वन पेंशन योजना, है ना, डिजिटल इंडिया अभियान, दीनदयाल अंत्योदय योजना, उन्नत वेबसाइट एक बनाई गई है, प्रोजेक्ट सनराइज क्या है, ऊर्जा गंगा परियोजना क्या है, गूगल लून प्रोजेक्ट क्या है, और ऐसे करके बहुत सारे ऐप बने हैं, गर्भ ऐप बना है, हमराज ऐप बना है, उमंग ऐप बना है, पेंसिल बना है, प्लान प्लस बना है, बहुत सारे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक बहुत बृहद स्तर का ज्ञान आपके अंदर जाने वाला है। मैं चाहता हूँ कि अब अपने दिमाग को शांत करिए और कंसंट्रेट करिए, प्रारंभ करते हैं, ठीक है। चलो बहुत बिगनिंग से शुरू करूंगा, बहुत बेसिक से, मैं चाहता हूँ एक एक योजना पे आपका दिमाग रहे ताकि एक एक योजना मेरे साथ साथ आपके दिमाग में फीड होती जाए, समझ पा रहे हैं मुझको, है ना, मेरे साथ साथ पूरी योजना आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, ये नहीं होना चाहिए कि आप, लेकिन हाँ बाद में इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपका और बढ़िया से काम हो जाएगा, इस टाइम को यूटिलाइज करिए, ठीक है, सुनना है मुझे, मेरी पूरा का पूरा प्रयास होगा कि मैं आपके दिमाग तक जाऊंगा। सबसे पहली योजना किसानों को लेकर के है, देखो किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, सबसे पहली समस्या कृषि एक निश्चित व्यवसाय नहीं है, अनिश्चितताएं बहुत सारी हैं कृषि में, तो एक योजना है बहुत प्रभावी योजना है, क्योंकि इससे पहले की जितनी भी योजनाएं चली जा रही थी उन सभी को मर्ज करके ये योजना को बनाया गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, आप सब जानते हैं इस योजना के बारे में। ये योजना किसानों को प्राकृतिक आपदा, देखो इसमें आपदा दो प्रकार की होती है, मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदा, तो इसमें प्राकृतिक आपदा जो होगी उसको लेकर, कीट को लेकर, फसलों में रोग लग जाने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना, ठीक है, ये योजना का
महत्व है। अब इसके तहत तीन चार चीजें हैं। पहली चीज क्या है? पहली चीज यह है कि किसानों की आय सुनिश्चित रहे, किसानों को यह ना लगे कि फसल खराब होने के बाद भी उनकी आय उनकी खत्म हो गई या कोई प्रॉब्लम है, उसको लेके स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या होगा, खरीफ और रबी की जो फसल होंगी उसके तहत 2% ध्यान रखना है, ये बहुत याद रखिए, खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम भरना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये योजना चलाई कैसे जाएगी, जब फसल की कटाई होगी तो कटाई के दौरान फसल का आकलन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? रिमोट सेंसिंग मेथड से, सैटेलाइट के माध्यम से उस क्षेत्र का मुआयना करके उस समय उस क्षेत्र की फसल का के बारे में जानकारी ली जाएगी, मौसम की जानकारी सब कुछ पता किया जाएगा, ठीक है। तो 2% प्रीमियम इसको खरीफ की फसल में, रबी की फसल में 1.5% प्रीमियम, और जो वाणिज्यिक और बागवानी फसलें उनके लिए 5% प्रीमियम किसान को भरना होगा और उसके आधार पर उसको फसल बीमा मिलेगा, ठीक। तीन चीजें पर याद रखो, खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%, वाणिज्यिक और बागवानी के लिए 5% प्रीमियम भरना होगा उस आधार पे उसको, ठीक है। अगली योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। एक बड़ा मुद्दा है भारत में, भारत की जो शिक्षा पद्धति है, एकेडमिक स्तर है, ये व्यापार ये रोजगार परख नहीं है। हमारी शिक्षा के ऊपर ये आरोप लगाया जाता रहा है कि रोजगार परख नहीं है, और ये बात सत्य है कि हमारे देश में शिक्षा हमें स्किल नहीं देती है बहुत, है ना। आप देखते हो स्किल के लिए आपको अलग कोर्सेज करने पड़ते हैं, या तो फिर आप आईटीआई में जाते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, स्किल्स के कुछ प्रोग्राम है जो पूरे युवा नहीं करते हैं। तो सरकार ये चाहती है कि देश में लोगों को स्किल प्रदान किया जाए ताकि उनको रोजगार मिल सके। तो रोजगार प्रदान करने के लिए ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया ताकि लोग कौशल युक्त हों। इसके लिए दो कार्यक्रम है। पहली बात, आपको सरकारी मान्यता प्राप्त जो कौशल विकास केंद्र खुले हुए हैं, यदि वहाँ पर जाकर आप प्रशिक्षण लेते हैं, प्रशिक्षण कई प्रकार के हैं, वहाँ पे कोर्सेज हैं, आप कंप्यूटर कोर्स भी ले सकते हैं और अदर बहुत सारे स्किल्स हैं, कोई भी स्किल आप सीख सकते हैं। जो भी स्किल आप सीखेंगे उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी, पहली चीज़ तो ये, यानी सरकार के द्वारा आपको कुछ राशि प्रदान की जाएगी, स्कॉलरशिप दी जाएगी, छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो इसके तहत अधिकाधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए योग्य बनाना है, है ना, ताकि उनके पास एक न एक स्किल होना बहुत जरूरी है। इस स्कीम में सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उन प्रशिक्षुओं को प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में दी जाएगी जो कि मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण ले रहे थे, ठीक है। तो ये आपके स्किल डेवलपमेंट को लेकर के एक प्रोग्राम है। देश में हर जगह पे अभी एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको बैक कॉल आएगा और उसके तहत आपके क्षेत्र का एरिया कोड, पिन कोड सब पूछा जाएगा, और यदि आप उनको सारी चीज़ें बताएंगे तो आपके नज़दीकी कौशल विकास केंद्र के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जाइए वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करिए, जो भी स्किल आप चाहते हैं सीखना, और उसके बाद जो है आपको उसी के आधार पर रोजगार भी मिलेगा, या फिर आप रोजगार करने में खुद सक्षम बन जाएंगे, इंटरप्रेन्योरशिप कल्चर आपके अंदर डेवलप होगा। तो इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी? 15 जुलाई 2015 को, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को, डेट भी पूछता है तो इसलिए डेट भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। डेट अभी याद करने की कोशिश मत करना, डेट के लिए इसे दोबारा सुनना, ठीक। मैं डेट सिर्फ बताऊंगा ताकि आपको डेटे मोटा मोटी जानकारी में रहे। तो फसल बीमा योजना 18 फरवरी को और कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला योजना पे आते हैं। दो योजनाएं हो गई। अगली योजना है डिजिटल साक्षरता अभियान। देश के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, यहाँ तक कि कुछ शहरी क्षेत्रों में भी लोग डिजिटली साक्षर नहीं है। लोग मोबाइल चलाना नहीं जानते, लोग ईमेल भेजना नहीं जानते, लोग कंप्यूटर चलाना नहीं जानते। तो सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वो लोग जो डिजिटली साक्षर नहीं है, ऐसे तो साक्षर है, लिखना पढ़ना समझना तो जानते हैं, लेकिन कंप्यूटर से भागते हैं, मोबाइल नहीं चला पाते, ईमेल नहीं भेज पाते, है ना। तो कंप्यूटर एक्सेस डिवाइस जितनी भी हैं उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, तो ये अभियान चलाया गया, प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान। इसके बारे में समझते हैं। ये आपका अभियान चलाया गया 8 फरवरी 2017 को, ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए डिजिटल रूप से व्यक्ति कंप्यूटर एक्सेस डिवाइसों को संचालित करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए, सूचनाओं को सर्च करने के लिए आईटी साक्षरता युक्त लोगों को बनाना है। कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्रों में। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत, ठीक है। अगला प्रधानमंत्री कार्यक्रम, अगली योजना है प्रधानमंत्री वयम वंदना योजना।
वयम वंदना योजना ये एक पेंशन स्कीम है, ठीक है। 60 वर्ष से ऊपर जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, एक चीज दिमाग में बैठा लो, कुछ पेंशन स्कीम ऐसे बनाई गई हैं, जैसे कि अभी चालू हुई है आप लोगों ने हालिया समय में झारखंड के रांची से प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना चालू की है, तो कुछ पेंशन स्कीम वो भी है, उसमें भी किसान को एक पेंशन मिलेगा। तो कुछ पेंशन स्कीम ऐसी हैं जिनमें 18 से 40 साल तक के बीच में यदि आपकी उम्र है तो आप चाहें तो एक प्रीमियम राशि ले सकते हैं और उस प्रीमियम को आप भरते रहिए, ठीक है। प्रीमियम आपका तिमाही भी हो सकता है, छमाही भी हो सकता है, 9 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, ठीक है। और उस प्रीमियम को जब आप लगातार भरते रहेंगे, भरने के बाद कब, उम्र क्या है 18 से 40 साल, इसके बाद 20 साल का गैप रहेगा, 20 साल का इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका उस स्कीम में। 20 साल बाद जैसे ही आप 60 साल की उम्र के होंगे, मान लीजिए आप 40 साल की उम्र में भी ले रहे हैं तो 60 साल की उम्र में होंगे, तो आपको एक आपकी जितनी आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया होगा उसी हिसाब से आपको एक मासिक पेंशन मिलने लगेगी, ठीक है। और कुछ मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपकी धनराशि भी आपको मिल जाएगी। तो ऐसी कई सारी स्कीम है, जैसे कि अभी किसान वो चालू हुई है जो प्रधानमंत्री मानधन योजना, यही है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री लघु व्यापार योजना, जो लघु मानधन योजना, वो भी यही है। अटल पेंशन योजना भी यही है जो मैंने आपको बताया, उसकी भी उम्र 18 से 40 है, लेकिन ये नहीं है, प्रधानमंत्री वयम वंदना योजना नहीं है, ये अलग तरीके की योजना है। इसमें 60 साल से ऊपर के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए कुछ योजनाएं ऐसी बनाई गई हैं जिनमें गारंटी शुदा रिटर्न मिलता है 8% का। इसमें क्या है, वयम वंदना योजना को समझिए, जो नागरिक 60 साल से ऊपर हैं उनके लिए पेंशन योजना है, ठीक है। इसके तहत क्या है, 60 साल की ऊपर उम्र के नागरिक निवेश करने के पात्र हैं, आप 60 साल के हो गए तो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये प्लान ले सकते हैं, ठीक है। और इस प्लान में आपको एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा, यानी कि लिखित रूप में आपको रिटर्न मिलेगा कि आपको 8% रिटर्न मिलना ही मिलना है, ठीक है। जो भी आप है उसका मिनिमम 8% तो आपको मिलेगा ही। पॉलिसी की अधिकतम टर्म यानी अधिकतम उम्र 10 साल की है, 10 साल के लिए आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। निवेश करने पर GST नहीं लगेगा। पेंशन की राशि आयु पर निर्भर नहीं करेगी, है ना, उम्र के आधार पे पेंशन को यहाँ पे नहीं जांचा जाएगा। और इसके तहत मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, यदि आप 1 साल में 1,44,578 रुपये एक मुश्त जमा कर दीजिए, ठीक है, तो आपको 1 साल के बाद जो 10 साल तक लगातार 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी मासिक, नहीं समझे, ठीक है, नहीं समझे तो किसी को बीमा वाले को बुलाइएगा, ठीक है, और वो आपको बहुत अच्छे से समझा देगा, और नहीं तो मुझसे खाली टाइम में मिलिएगा, मैं भी बीमा खोल लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका 10 वर्ष के लिए 1,000 रुपये का पेंशन बीमा प्लान है, ठीक है। खाली टाइम पे इसको समझा दूंगा मैं और अच्छे से, क्योंकि मैं इस पे लग जाऊंगा तो फिर टाइम लगेगा, इसको कागज पेन पकड़ना पड़ेगा। अगला है नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किस लिए है, आसान भाषा में समझते हैं, ये इसलिए है, देखो देश के अंदर 2 प्रॉब्लम्स है किसानों के पास। पहली बात, किसान अशिक्षित है, किसान को ये नहीं पता है कि किस संसाधन का कितना उपयोग करना है। यदि ज़्यादा उपलब्ध हुआ तो ज़्यादा कर देता है, जहाँ उपलब्ध नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है ही। अब जैसे कि आपका ये पूरा ये वाला एरिया जिस बेल्ट में आप बैठे हो, उत्तर प्रदेश जो है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम बैठे हैं, इसी प्रकार से हरियाणा पंजाब में, यहाँ पे जल संसाधन खूब है, नहरें हैं, नलकूप है, सब कुछ है। तो यहाँ के किसानों ने चूंकि हरित क्रांति में इनको मौका मिला, तो इस मौके में इन्होंने खूब, तो 2 रीज़न हो गए, एक तो भौमगल जो भौमजल है धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, तो उस समस्या के निदान के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की है। इसका उद्देश्य यह है कि देश के हर खेत को पानी प्राप्त हो, लोगों को पहले तो तरीका सिखाया जाए कि सिंचाई करनी कैसे, ठीक है। इसके लिए कुछ नारे दिए गए हैं, पहला नारा एक दिया गया है, प्रति बूंद अधिक फसल, यानी एक बूंद का भी हम प्रयोग करेंगे उसके लिए सिंचाई के जो अन्य मेथड है, स्प्रिंकल सिंचाई है, ड्रॉप है ना, कई तरीके से जो मेथड है उनका प्रयोग किया जाएगा, प्रति बूंद अधिक फसल। कृषि जलवायु की दशाओं पर, पानी की उपलब्धता पर, मैंने आपको बताया कि भारत में कुछ कृषि पारिस्थितिक दशाएं हैं, है ना, कुछ एग्रो इकोलॉजिकल हैं, कुछ एग्रो क्लाइमेटिक हैं, देश का रीजन अलग अलग है, कहीं पर कोई अच्छांश है, कहीं पर कोई अच्छांश है, कहीं पर कोई अच्छांश है, कहीं पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कोई बर्फ, कोई कहीं पर हाइट ज़्यादा, जिसके कारण से वहाँ पर वहाँ की जलवायु अलग है। तो यहाँ पे देश में हर तरीके की जलवायु पाई जाती है,
कहीं पर ठंड है तो कहीं पे खूब गर्मी है, कहीं पे खूब बारिश है, कहीं पे बारिश ही नहीं है। तो भारत की जो कृषि जलवायु है उसके आधार पर ये योजना प्रारंभ की जाएगी एक रूपता, और इसका उद्देश्य है हर खेत को पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये प्रारंभ की गई है और इसके तहत जो है जो लोग हैं जो किसान हैं उनको हम इलिटरेट करने का भी प्रयास करेंगे, उनको हम शिक्षित करने का भी प्रयास करेंगे कि आपके पास जो संसाधन है खेतों में जल है उनका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। तो ये काम भी हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय की ये पहली एक सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुई ये योजना। योजना का उद्देश्य है महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान रखना, मुद्दा सब साफ सीधा सा, महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान रखना, महिला सशक्तिकरण करना और महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण को भी रोकना, उसको लेकर के गैस सिलेंडर कनेक्शन बांटे गए हैं। ठीक है, गैस सिलेंडर मुफ्त में कहे जाते हैं लेकिन मुफ्त में नहीं होते, 1600 रुपए की सब्सिडी मिलती है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन, यानी कि एलपीजी कनेक्शन महिला के नाम पे ही होगा, पहली बात तो ये। ठीक है, बीपीएल परिवार होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे होगा, उससे ऊपर वालों को नहीं है, जिनका पीला कार्ड है उनको नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रत्येक परिवार को 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इसके तहत, और इसका लाभ मिला है, बहुत बढ़िया प्रगतिशील योजना रही। स्वच्छता के लिए स्वच्छ ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए योजना पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई। अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बहुत प्रचलित योजना है। 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली से प्रारंभ की गई थी। उद्देश्य इसका यह है कि जिनके पास पैसा नहीं है और जो उद्योग करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है और उद्योग करना चाहते हैं, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उनको लघु वित्त उपलब्ध कराना। ठीक है, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए उनको फाइनेंस करना। ठीक है, फाइनेंस 3 तरीके से किया जाएगा इसके तहत। इसके तहत 3 प्रकार की योजनाएं लाई गई उद्योग के आकार को देखते हुए। यदि आप छोटा उद्योग चालू करने लगते हैं तो उसको शिशु कैटेगरी में रखा गया, उसी प्रकार से 3 कैटेगरी बनाए गए, शिशु कैटेगरी, किशोर कैटेगरी और तरुण कैटेगरी। किशोर शिशु के तहत 50,000 रुपये, किशोर के तहत 50,000 से 5,00,000 रुपये और तरुण के तहत 5,00,000 से 10,00,000 रुपये तक का आपको वित्त मिल जाएगा यदि आप उस एलिजिबिलिटी में आते हैं। ठीक है, तो यह योजना उद्यमशीलता के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराती है, वित्त पोषण उपलब्ध कराती है। योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली से प्रारंभ की गई। नेक्स्ट प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, 28 अगस्त 2014 को खूब बड़े स्तर पे इसको प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई 28 अगस्त 2014 को जब सरकार आई थी, मौजूदा सरकार, तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। वित्तीय समावेशन मैंने आपको समझाया था क्लास में, वित्तीय समावेशन का मतलब होता है, समावेशन का मतलब है कि सब तक पहुँच, जब चीज़ों की सब तक पहुँच हो जाए। और वित्तीय क्या है, बैंकिंग जो सेक्टर है वो आपका एक वित्तीय सर्विस है ना, फाइनेंशियल सर्विस है, तो फाइनेंशियल सर्विस का सब तक पहुंच जाना वित्तीय समावेशन कहलाता है ना, वित्त से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो वित्तीय समावेशन से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जनधन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, वित्तीय समावेशन से। देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है, इसके तहत हर परिवार का एक बैंक खाता कम से कम खोलना ही खोलना है। इसके तहत 1 रुपये डेबिट कार्ड मिलेगा, 1,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा और 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा, और यदि 6 महीने तक आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन को मेंटेन करके रखेंगे तो आपको 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्रारंभिक समय में दी गई थी, अभी इस सुविधा को बढ़ा भी दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना बड़ी प्रमुख योजना रही है, ध्यान रखिएगा। इसके तहत व्यापक स्तर पर खाते भी खोले गए हैं, अपने लक्ष्य से ये 4 गुना ज़्यादा खाते खोल चुकी है। अगला प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, आज ही ये चर्चा में थी, आज ही यदि आप न्यूज खोलेंगे तो कल की न्यूज से चल रहा है, क्योंकि अभी सरकार ने एक डेटाबेस जारी किया है और उसमें बताया है कि लगभग 1 करोड़ महिलाओं को जो है इसका लाभ प्राप्त हो चुका है और सरकार ने बड़े स्तर पर 14,000 करोड़ रुपये तक इसमें खर्च किए हैं।
ठीक है। तो ये योजना बहुत ही समय चल रही है, 17 फरवरी 2017 को ये योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत बच्चों को स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उन महिलाओं को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। यह योजना सिर्फ पहली संतान के लिए ही होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, पहली संतान के लिए ही होगी। और ये पैसा जो दिया जाएगा 3 किस्तों में डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है, उन महिलाओं को जो स्तनपान करा रही हैं या फिर गर्भवती हैं उनके लिए। अगला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, ये देखो अभी सब लेटेस्ट योजनाएं हैं, इसी सरकार की योजनाएं हैं, आप देख सकते हो कितने बड़े स्तर पे काम हो रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 16 दिसंबर 2016 को प्रारंभ हुई। ये योजना क्या है, ये योजना एक तरीके से उन लोगों के लिए जुड़ी हुई थी, टैक्स सिस्टम से जुड़ी हुई योजना है। ये टैक्स सिस्टम में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को छुपा लेते हैं, सरकार को बताते नहीं हैं। तो सरकार ने ये योजना चालू की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आसान भाषा में कहें कि फेयर एंड लवली स्कीम, है ना। इसने क्या किया, उनको मौका दिया, सबको एक डेट दी, अब ये डेट तो नहीं रही, इसके तहत एक डेट दी गई, मैं डेट आपको बता देता हूँ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 17 दिसंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक के लिए टाइम दिया गया था कि यदि आपके पास कोई ब्लैक मनी है, जिस पैसे को सरकार से आपने छुपाया है, तो उस पैसे को आप सरकार को बता सकते हैं, उसके तहत सरकार जो है आपको एक निश्चित टैक्स लेकर के उसको गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आपको, है ना, आपको एक बार मौका दे रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना रही है उस दौरान की। और इस स्कीम के तहत जो भी राशि जमी होगी, जमा की गई, उसको जो है एक ही बार में आप जमा कर सकते थे। ऐसा नहीं हो सकता कि टुकड़े टुकड़े में आप सरकार को बताएं, आपको बताना है तो एक ही बार में बता दीजिए कि आपके पास इतना रुपए पड़ा हुआ है। उसके लिए एक प्रॉपर टाइम दिया गया था और बड़े स्तर पर मिशन चलाया गया था। अगला, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, ठीक है। देखो दो योजनाएं हैं, एक योजना है गवर्नमेंट का जो रूल है, गवर्नमेंट चाहती है सबके लिए आवास हो। ये जो शहरी आवास योजना है, ये योजना पहले, इसी योजना को हम इंदिरा आवास योजना के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। इसके तहत क्या है, 22 नवंबर 2016 को शहरी गरीबी, शहर में जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना प्रारंभ की गई, ठीक है। 22 नवंबर 2016 को शहरी गरीबी के लिए देश में 2329 शहरों में कितने लगभग लगभग मकान बनाए जाएंगे, 12,83,616 मकानों को उस समय वेंकैया नायडू थे और उनके द्वारा यह अनुमति प्रदान की गई थी, मकानों को बनाने की मंजूरी दी गई। शहरी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवासीय सुविधा प्रदान की गई, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसके तहत प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के एक जगह है आपका, इसको जगह का नाम है, ये सहारनपुर है जो, है ना, यहाँ से प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की डॉक्टरों से अपील क्या की कि यदि 9 तारीख को, 9 जून को प्रधानमंत्री ने कहा कि 9 तारीख को आपके पास कोई आए, चूंकि 9 जून को ही उन्होंने ये अपील की थी वहां से, कि यदि कोई गर्भवती महिला आपके पास 9 जून को आए या हर महीने की 9 तारीख को आए, तो आप उसका निशुल्क इलाज करिएगा। रीजन क्या था इसके पीछे, उद्देश्य क्या था, क्योंकि क्या होता है, अब 9 तारीख यदि एक डेट हो जाएगी ना, तो गर्भवती महिलाएं पहुंचेंगी डॉक्टरों के पास और जाकर के दिखाएंगी। आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पैसे की कमी के कारण या बहुत सारी कमियों के कारण महिलाएं लगातार गर्भावस्था में अपनी चेकिंग नहीं कराती, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उस चीज को लेकर प्रधानमंत्री ने अपील की थी और इसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसके तहत प्रधानमंत्री ने चिकित्सकों से अनुरोध किया था कि प्रत्येक माह के 9 तारीख को यदि कोई गर्भवती महिला उनके पास इलाज के लिए आती है तो उनका निःशुल्क इलाज अवश्य करना चाहिए। सिर्फ एक अपील है, ध्यान रखिएगा, और ये उनके ऊपर है। इससे मातृत्व मृत्यु दर में कमी आएगी, जो कि भारत में बड़े स्तर पे ये समस्या बनी हुई है। अगला, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, खनिज क्षेत्र, देखो हर क्षेत्र में इस सरकार ने काम किया। मैं सच बताऊं, जब मैं लिख रहा था, लिखते लिखते मेरा दिमाग हैंग हो गया, मैंने लगातार 15 घंटे लिखे हैं इसको, मेरे दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ क्या क्या लिखा है। क्यों, क्योंकि ये मटेरियल ऐसा है, अब इसमें इतनी योजनाएं हैं जो अब आप लोगों के साथ ये नहीं होना चाहिए, मैं बस ये चाहता हूँ।
इतना कम से कम अपने उसमें क्लियर रखिएगा, हैंग नहीं होने दीजिएगा। जहाँ पे आपको लगता है थोड़ी देर लंबी चौड़ी सांस ले सकते हैं हम लोग, मुझे रोक दीजिएगा कि सर अभी दिक्कत चल रही है, ठीक है। ऑक्सीजन की जैसे ही कमी हो वहीं पर बता देना है। अगला है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, ये बनाई गई है जो उत्खनन कार्य होता है, जो खनिज क्षेत्र हैं वहाँ के उत्खनन को ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई गई है। और वहाँ पे जितने भी लोग खनिज क्षेत्र में लगे हुए हैं उन लोगों के जीवन में सुधार के लिए, उनमें जलापूर्ति, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, कौशल विकास और बाल विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए ये योजना चलाई गई है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। जो खनिज क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोग उनके स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाए, उनको जीवन स्तर को अच्छा किया जाए, उनको आधारभूत ढांचा प्रदान किया जाए, उनके लिए योजना है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, ठीक। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, खूब नाम सुना होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो है ये आपकी एक तरीके से देखा जाए तो ये जीवन बीमा योजना है। जीवन बीमा योजना आसान भाषा में, ये सब आप लोगों को खुलवा लेना चाहिए, इस चीज़ पे मैं पहले भी कह चुका हूँ। देखो आमतौर पे क्या होता है, जो आपका जहाँ जिसका जिसका बैंक अकाउंट है अपने बैंक में जा करके अपील कर दो, बैंक में जाकर रिक्वेस्ट कर दो कि ये योजना उनके आपकी चला दी जाए, आपके अकाउंट से 333 रुपये कट जाएंगे हर साल। ये हर साल रिन्यू होगी योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना हर साल रिन्यू होगी, ये ध्यान रखिएगा। ये सदैव के लिए नहीं है, एक साल यदि पैसा कटेगा तो एक साल भर के लिए आपकी के लिए दुर्घटना बीमा आपको मिलेगा। यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको 2,00,000 रुपए मिल जाएंगे, आपको नहीं नॉमिनी को, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना ये आपको 333 रुपए आपके अकाउंट से कटेंगे और 2,00,000 रुपए तक का बीमा देगा। एक साल के टर्म पर बीमा कवर योजना है जो प्रतिवर्ष नवीनकरण होगी, हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा, हर साल फिर 333 कटेंगे, फिर 333 कटेंगे, तो जब 333 तभी तैसे ही आपका हो जाएगा बीमा, ठीक है। तो अकाउंट मेंटेन करके रखना 333 रुपए का। अगला, नेक्स्ट अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये और है, इसको बनाया गया है, इसमें सिर्फ 1 महीने में 1 रुपए कटेगा, लेकिन ये दुर्घटना बीमा है, ये दुर्घटना बीमा है, वो जीवन बीमा था, दोनों में अंतर होता है। जीवन बीमा में किसी भी कारण से मृत्यु हुई तो आपको कवर रिस्क कवर मिलेगा, दुर्घटना बीमा में यदि दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई तो रिस्क कवर मिलेगा। तो यदि दुर्घटना के कारण मर गए तो 2,00,000 रुपए, यदि विकलांग हुए तो, ठीक। तो यहां पर आपको विकलांग नहीं होना है, यह ध्यान रखिएगा। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये जो है ये भी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, जिसकी अवधि 1 वर्ष है, 1 साल में रिन्यू होगी, यानी 12 रुपए फिर कटेंगे आपके, तो इसके लिए भी रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, काम आ सकता है, ठीक है। तो विकलांगता के लिए और उसके लिए आपको ये 2,00,000 रुपए का सुरक्षित कराएगी। अगला, नेक्स्ट प्रधानमंत्री आवास योजना, ये एक बहुत बड़ा पायलट प्रोजेक्ट है सरकार का। सरकार चाहती है कि जैसे ही देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हों, यानी 2022 में, तो सभी लोगों के पास पक्का मकान होना चाहिए, सरकार ये चाहती है। इसकी सच्चाई ये है कि यदि आपको मकान चाहिए तो सरकार आपको सब्सिडी देती है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको सब्सिडी मिले, कितनी, 2,50,000 रुपये, किसके नाम, महिला के नाम, यदि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री महिला के नाम होगी तो ये मिलेगी, ठीक है। अब सबको महिलाओं पर विश्वास नहीं तो सारे लोग नहीं कराते, तो फायदा नहीं पाते। प्रधानमंत्री आवास योजना ये 25 जून 2015 को शुरू की गई, उद्देश्य है झुग्गी वस्तुओं का पुनर्वास करना, शहरी गरीबों और वहनी आवासीय संवर्धन योजना है, सभी के लिए 2022 तक आवास का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो ये आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामोदय योजना इसके तहत क्या किया गया है, इसके तहत आर्थिक सुधारों का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच पाए, जो इकोनॉमिक चेंजेस किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा वो सब तक पहुंच पाए, उसके लिए ये योजना चलाई गई है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। और इसके तहत क्या क्या है, पहली बात गांव को विद्युतीकरण करना है, गांव में सब जगह बिजली होनी चाहिए। इसके तहत 3 कार्यक्रम और बनाए गए हैं, जिसके तहत मध्यम भोजन कार्यक्रम बनाया गया है, समेकित बाल विकास योजना बनाई गई है और किशोरी शक्ति योजना भी इसके अंतर्गत बनाई गई है। तो ये आपका एक है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पुरानी योजना है, बहुत बढ़िया से काम कर रही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। आप कहीं भी चले जाइए,
नक्सलवादी क्षेत्रों में भी चले जाएंगे ना, वहाँ पर भी सड़कें बन चुकी हैं, सबके गांवों की सड़कें शहरों से जुड़ चुकी हैं, मुख्य सड़कों से जुड़ चुकी हैं, यही उद्देश्य था इसका। तो गांवों को अच्छी तरीके से बारह मासी, देखो आमतौर पर सड़कें जो होती हैं गाँव की वो बरसात के मौसम में विलुप्त हो जाती हैं, सड़क नाम की कोई चीज़ होती नहीं है गांव में। तो उस समस्या के समाधान के लिए ये योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई थी अटल जी की सरकार के टाइम पे, और इस योजना का उद्देश्य था कि ग्रामीण सड़कों के लिए क्या करना, विकेंद्रीकृत नेटवर्क की योजना मॉडल लागू करना। इसमें कई चरण बनाए गए। पहला चरण था कि जहाँ पे जिन गाँव में 1000 की आबादी है उन जगहों पे पहले हमें सड़क बनानी है। दूसरे चरण में जहाँ 500 की आबादी है मैदानी क्षेत्रों में, वहाँ पर हमें घर बनाने हैं। इसके बाद जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र मरुस्थली क्षेत्र, उन क्षेत्रों पे 250 की यदि आबादी है तो वहाँ पर हमें सड़क बनानी है। और वामपंथी उग्रपात से प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर यदि 100 लोग भी रह रहे हैं एक गाँव में तो वहाँ पर भी हमें सड़क बनानी है। तो एक बड़े स्तर का पायलट प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। अगला प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, ये 2009-10 की योजना है, थोड़ा पुरानी योजना है, इस सरकार की योजना नहीं है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य है 50% से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले गाँव का विकास करना। इस योजना में प्रत्येक ऐसे गाँव को 20 लाख रुपये प्रदान किया जाता है और इसे बढ़ा करके 50 लाख रुपए किए जाने तक का प्रावधान किया गया है। ये सिंपल और आसान भाषा में समझाऊं तो इसके तहत अनुसूचित जाति आबादी वाले जो क्षेत्र हैं उन गांवों को पैसा प्रदान करके उनका डेवलपमेंट करना है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का। ये संसद आदर्श ग्राम योजना नहीं है, संसद आदर्श ग्राम योजना अलग योजना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ये मौजूदा सरकार की थी, ठीक। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये आपका 15 अगस्त 2018 को प्रारंभ किया गया। इसके तहत सरकार ने बहुत सारे रोजगार सृजन कार्यक्रम थे पहले, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, शहरी रोजगार सृजन कार्यक्रम, तो उन सभी को एकीकृत करके सरकार ने एक संयुक्त कार्यक्रम बनाया है जिसको जो है ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है कि लोगों को रोजगार प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना को दूसरे शब्दों में हम प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के नाम से जानते हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना, इसका उद्देश्य है गांवों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी देश के सभी घरों का विद्युतीकरण सुरक्षित कराना, यानी देश के हर कोने में विद्युत होनी चाहिए, ये इसका उद्देश्य है इस योजना का। इस योजना के द्वारा गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। पहली बात तो ये मुफ्त नहीं है, 500 रुपये में खोल दिया जाएगा, इसे मुफ्त कहते हैं। सुदूर और दूर दराज के इलाकों में अवस्थित घरों को 200 से 300 वाट के सोलर पावर बैंक दिए जाएंगे। जो क्षेत्र ऐसे हैं जो दूर दराज इलाकों में हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, तो उनको लिए सरकार क्या करेगी, सोलर पावर बैंक भी देने का प्रावधान करेगी ताकि वहां पे विद्युत की समस्या कभी ना आए। तो ये जो है सौभाग्य योजना के तहत, मोटा मोटी आसान भाषा में समझना है कि भारत के हर कोने में हमें विद्युत पहुंचाना है। इसके लिए एक योजना और है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, उसका भी यही सेम उद्देश्य है, वो भी इसी सरकार के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, लेटेस्ट है 12 सितंबर 2019 की योजना है, ध्यान रखिएगा इसको मैं समझाना चाहता हूँ। पहली बात है किसान पेंशन स्कीम है, क्या है, किसान पेंशन स्कीम है। इसके स्कीम के तहत 18 वर्ष से 40 वर्ष के किसान आते हैं, बस कितने से कितने वर्ष के, 18 वर्ष से 40 वर्ष के किसान जो हैं, छोटी जोत वाला किसान, सीमांत किसान जो केवल 2 हेक्टेयर की जमीन पर ही जोत करता है, वो किसान इसके अंतर्गत आते हैं। उनको करना क्या है, 55 रुपये से लेके 200 रुपये तक छोटी सी रकम देनी है, प्रीमियम भरना है, एक 55 रुपये से लेके 200 रुपये तक का अंशदान करना है और ये लगातार करते रहना है, हर साल प्रीमियम देना है। जब उसके 60 साल पूरे हो जाएंगे वैसे उसको 3000 रुपये की पेंशन मिलनी चालू होगी। तो समझिए जो किसान आज 40 साल का है, अगले 20 साल बाद जब 60 साल का होगा तो उसके लिए 3000 रुपये बहुत बड़ी रकम हो जाएगी, ठीक है। 3000 में क्या होगा, लेकिन फिर भी है ये योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अभी प्रधानमंत्री जी ने इसको रांची से चालू किया था, झारखंड से, ठीक है। अगली प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम 2016 में प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है, देखो देश में बहुत सारे लोग हैं जो किडनी के पेशेंट हैं,
जिनकी किडनी खराब हो जाती है। दो किडनी होती हैं हमारी, एक में काम चलता है हमारा, ठीक है। गड़बड़ होती तो दोनों जाती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। खराब हुई तो दोनों होती हैं, एक नहीं होती कि एक खराब हो गई एक बची रही। तो फिर आपको किडनी का काम होता है आपके ब्लड को प्योर करना, प्योरिफिकेशन का काम करती है। किडनी गई तो ब्लड गया आपका पूरा का पूरा, ये मान के लो प्योर नहीं होगा फिर, ठीक है। तो उसके लिए फिर कृत्रिम अंग लगाया जाता है। कृत्रिम अंग यानी एक मशीन होती है, डायलिसिस मशीन, डायलिसिस बोलते हैं आमतौर पर। जिनको मधुमेह हो जाता है ना, जो डायबिटिक होते हैं उनको डायलिसिस पे आमतौर पे जाना पड़ता है। बहुत बुरी कंडीशन होती है, पूरा ब्लड आपका मशीन से फिर आपके बॉडी में छन के आता है और ये आपको फिर रेगुलर करवाना पड़ता है, ठीक है। किसी का वीकली भी हो जाता है, किसी का मंथली रहता है, किसी का डेली बेसिस हो जाता है, समझो मौत है, ठीक है। तो डायलिसिस कार्यक्रम, ये चूंकि बड़ा महंगा प्रोसेस है तो प्रधानमंत्री डायलिसिस कार्यक्रम के तहत गरीब लोगों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराया जाना, ठीक है। इसके तहत क्या है, राज्यों को सहयोग उपलब्ध कराएगी सरकार। जिला अस्पतालों को जोड़ दिया गया है पीपीपी मॉडल से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से इसको जोड़ दिया गया है, निजी सार्वजनिक भागीदारी के आधार पे। और प्राइवेट संस्थानों का काम होगा कि डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराएं और लोगों तक पहुंचे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ये जो चालू किया अल्पसंख्यकों के लिए चालू किया गया है। हमारे देश में कुछ धर्मों को अल्पसंख्यक धर्म का दर्जा दिया गया है, जहाँ पे है ना, हैं मुस्लिम धर्म है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, सिख हैं, तो ये अल्पसंख्यकों के श्रेणी में आते हैं। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर सामाजिक आर्थिक संरचना सुविधाएं उपलब्ध कराना, स्कूल, स्वास्थ्य, छात्रावास, पेयजल, ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन विकास योजना कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, ठीक है। देखो हर एक मिनिस्ट्री छू रहा है प्रधानमंत्री कार्यक्रम, कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं होगी जहां पे प्रधानमंत्री कार्यक्रम ना मिले। मैक्सिमम मिनिस्ट्री में आपको ये प्रधानमंत्री कार्यक्रम मिल ही जा रहा है। अगला है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। इसका उद्देश्य क्या है, जन औषधि, नामीय जन औषधि, लोगों तक किफायती दर पे जेनेरिक दवाएं मिल सके, उसके लिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 21 जुलाई 2015 तक। दवाएं बहुत महंगी हो गई हैं, लोगों को सस्ती दवाएं मिल सकें इसके लिए जेनेरिक केंद्र बनाए जाएंगे, जेनेरिक स्टोर बनाए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि हम 3000 जेनेरिक स्टोर बनाएंगे जहां पे जेनेरिक दवाएं उपलब्ध होंगी और लोगों तक पहुंच सकेंगी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लेटेस्ट इसी साल की योजना है। इस बार के बजट में है ना 72 हज़ार करोड़ रुपए कुछ ऐसे इसका किया गया, 7200 करोड़ रुपए जो है इसका आवंटन किया गया है। और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, लेटेस्ट योजना है, इसी बजट पे आई है। इसमें मछली पालन का कार्य है, जलीय क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति यानी मछुआरे, उनके लिए सुविधाएं, आधारभूत ढांचा उनका प्रदान करना और जलीय क्षेत्र को बढ़ावा देना, मछली पालन को प्रोत्साहन देना, मछुआरों को ऋण सुविधा प्रदान करना, ये विभिन्न विषयों से जुड़ी हुई योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, अगली योजना है प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, इसके बारे में समझते हैं। ये योजना क्या है, ये योजना छोटे व्यापारी, जितने भी छोटे व्यापारी हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है वैसे प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना है, सेम क्लॉज है, यहां पे व्यापारी आ गया है। यदि किसी छोटा व्यापारी किसे माना जाएगा, जिसका टर्नओवर, वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए है, 1.5 करोड़ है या 1.25 है, एक बार देख लेते हैं। इसमें वार्षिक टर्नओवर यदि उसका 1.5 करोड़ रुपए होगा वार्षिक, हाँ 1.5 करोड़ रुपए होगा वार्षिक, तो उसको छोटा व्यापारी माना जाएगा, ठीक है। और उसके लिए भी सेम व्यवस्था है, 18 साल से 40 वर्ष के बीच में वो एक प्रीमियम भरेगा, 60 साल होने के बाद उसको 3000 रुपए का पेंशन मिलने लग जाएगा। इसे लघु व्यापारी मानधन योजना के रूप में जानते हैं। दो मानधन योजना हो गई, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अलग, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानसन योजना है ना, दोनों 2019 की योजना, ये लेटेस्ट अभी की है, ये थोड़ा पुरानी है, इसका एग्जैक्ट डेट नहीं मिला मुझे। नेक्स्ट, अगला राष्ट्रीय सौर मिशन। दरअसल पर्यावरण के लिए 8 कार्यक्रम विकसित किए गए हैं हमारे यहाँ पे देश में, पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को लगत सतत बना के रखने के लिए 8 कार्यक्रम बनाए गए हैं, जिसमें से एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय सौर मिशन। इसका पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, ऐसे राष्ट्रीय जल मिशन, ऐसे बहुत सारे 8 मिशन है उसमें,
ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, एनवायरनमेंट के टॉपिक पे आपको सारे मिलेंगे, बहुत ज़रूरी मिशन है। इन मिशनों का उद्देश्य, अब जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन, ये नवीकरणीय ऊर्जा को विकसित करना चाहता है देश में, नवीकरणीय ऊर्जा। तो राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत क्या है, 2022 तक भारत का एक टारगेट है, भारत चाहता है कि 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को बनाया जाए, जिसमें से 100 गीगावाट सौर ऊर्जा होनी चाहिए, 175 गीगावाट टोटल होनी चाहिए नवीकरणीय, जिसमें से 100 गीगावाट तो सोलर पैनल से होनी चाहिए सूर्य के द्वारा, और 60 गीगावाट पवन ऊर्जा होनी चाहिए, 60 गीगावाट के बाद 10 गीगावाट बायोमास एनर्जी होनी चाहिए, और 5 गीगावाट लघुपन बिजली योजनाओं से प्राप्त होनी चाहिए। तो 175 गीगावाट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, और ये भी लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक 1,00,000 मेगावाट विद्युत को हम ग्रिड से जोड़ देंगे, सौर ग्रिड विद्युत को जनरेट करके उसको एक ग्रिड से जोड़ देंगे, जिससे सौर ऊर्जा जो है देश में ग्रिड के माध्यम से चलने लगेगी। अभी क्या है, जितनी भी आपकी पन बिजली योजना है वो ग्रिड के माध्यम से चल रही है, ठीक है, देश को विद्युत ग्रिडों में बांट रखा गया है, ठीक है। तो ये आपका प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन है, ध्यान रखिएगा, एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, और इंडिया का ये पहला कार्यक्रम है जो हमें उसके तहत सतत विकास कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना है। नेक्स्ट है, ये नाम सुना होगा, आयुष्मान भारत योजना, बहुत नाम सुनते सुनते पक गए होगे आप लोग। भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय वित्त बजट में इसको 2018 में इस योजना को लाया गया, इसका उद्देश्य है 10 करोड़ परिवारों को टारगेट करना, जिनमें से 10 करोड़ परिवारों के 5,00,000 रुपए प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच को जोड़ना है। इस योजना में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना को चिन्हित किया जाएगा, और चिन्हित के आधार पर ही सबके कार्ड बनेंगे, स्मार्ट कार्ड बनेंगे, और उससे 5,00,000 रुपए तक का आप इलाज करा सकते हैं, ठीक है। इसमें दिमाग में बैठाइए, 10 करोड़ परिवार, 10 करोड़ का मतलब कितने लोग, 10 करोड़ परिवार का मतलब 50 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोगों को इस दायरे में लिया जाएगा। ये भारत के विश्व की बहुत बड़ी योजना है, सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना के रूप में इसे जानते हैं। सरकार को दो काम करना है, पहले तो कार्ड बना देना है आप लोगों का सभी का, और कार्ड बनाने के साथ साथ सरकार को दूसरा काम करना है, इसके तहत देश में 1,00,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी स्थापित करने हैं, 1,00,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो कि एक बड़ा मिशन है, जो कि धीरे धीरे सतत रूप से होगा। एक वेलनेस सेंटर अभी खोला भी गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आयुष मिशन, राष्ट्रीय आयुष मिशन, ये सितंबर 2014 का मिशन है, आज का मिशन नहीं है। इसका भी उद्देश्य यही है कि जो आयुष सुविधाएं हैं, अब आयुष में क्या क्या आता है, आयुष में आयुर्वेदा, आपके जो एक पद्धति चली आई है हमारी, है ना, प्राचीन पद्धति आयुर्वेदा, योगा सिद्धा, योगा एवं नेचुरोपैथी, आपके प्राकृतिक चिकित्सालय खुले हुए हैं, आयुर्वेदा योगा सिद्धा यूनानी होम्योपैथिक, ठीक है, ये 5 आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, और ये आयुष सुविधाएं लोगों तक पहुँचें, अच्छे से पहुँचें, सतत रूप से पहुँचें। सरकार जो है आयुष अस्पतालों और डिस्पेंसरियों को बनाए, इसको लेकर के ये पूरा मिशन चलाया जा रहा है। सितंबर 2014 में इसको प्रारंभ किया गया था, और सरकार चाहती है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक जिला और अस्पतालों में आयुष सुविधाएँ पहुँच जाएँ, यानी कि जो आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर भी आयुष सुविधाएँ होनी चाहिए, और जितने भी आपके जिला अस्पताल हैं जो सामुदायिक केंद्र वहां पर भी आयुष योजनाएं होनी चाहिए। आयुष आपकी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जिसमें आयुर्वेदा का नाम आपने सुन रखा है, जिससे आप भागते हो, योगा और नेचुरोपैथी एक दूसरी पद्धति है, सिद्धा यूनानी होम्योपैथी, ठीक है, हम लोग ज्यादातर एलोपैथी से ज्यादा जुड़े हुए हैं, कुछ भी है वो कुछ भी हुआ गोली खाया सही हो गए। नेक्स्ट आगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रूर्बन मिशन, दरअसल देखो पहले आया संसद आदर्श ग्राम योजना, हमें क्या करना है, आदर्श गांव बना देना है। आदर्श गांव एक ऐसा गांव होगा जहां पे लोग, जहां पे सारी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी होंगी, वहां के लोग मोरल तौर पर, संसद का ये काम होगा कि आधारभूत सुविधाएं ही सिर्फ विकसित नहीं कर देनी है वहां पे, वहां के लोगों को नैतिक बनाना है, इथिकल बनाना है, ठीक है। तो संसद आदर्श ग्राम योजना से ठीक है, हम गाँव को आदर्श बना रहे हैं,
लेकिन इससे गांव का कोई भला नहीं होगा, भला तो हो जाएगा नो डाउट, क्योंकि उसको रोल मॉडल के रूप में आगे के गांव भी उससे, लेकिन फायदा तब होगा यदि हम वहां पे एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप कर दें। तो इसके लिए एक दूसरी योजना लाई गई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, राष्ट्रीय रूरबन मिशन। इसके तहत हम क्या करेंगे, कई गांवों को मिलाकर आसपास के एक गांव का क्लस्टर बनाएंगे और उस क्लस्टर में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, और उस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के कारण से वहां के आसपास गांव के जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो रोजगार पा सकेंगे और आर्थिक रूप से निर्भर हो जाएंगे, इससे ग्रामीण पलायन रुक जाएगा। ठीक है, तो इसमें ग्रामीण क्लस्टर बनाए जाएंगे। एक बार इसको समझते हैं, लिखते हैं, देखते हैं। यह जो मिशन है, यह मिशन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शहरी सुविधाओं से लैस कर देना, यानी कि जो ग्रामीण क्लस्टर बनाए जाएंगे उसमें आत्मा गांव की होगी और सुविधाएं शहर की होंगी। समझ पा रहे हो दोनों चीजों को? शहरी सुविधाएं क्या होती हैं? शहरी सुविधाओं में शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध होती है हर जगह, शहरी सुविधाओं में। शहर और गांव में अंतर क्या होता है? जनसंख्या का ही तो अंतर होता है या अर्थव्यवस्था का अंतर होता है? दोनों का अंतर होता है। शहर जो होता है वहां की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं होती है, वहां की इकोनॉमी उद्योग पर या फिर सर्विस सेक्टर पर डिपेंडेंट होती है। गांव की इकोनॉमी, तो हम एक ऐसा क्लस्टर बनाएंगे जिसकी आत्मा तो गांव होगी, यानी वहां का जो ढांचा होगा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो होगा वो कृषि पर ही आधारित होगा, वहां की जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन वहां की सुविधाएं सारी शहरी सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे जिससे वहां के लोग वहीं पर ही निर्भर हो जाए और वहीं पर रहें। समझ पा रहे हैं बात को? यह है एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, ग्रामीण क्लस्टर बनाने की बात इसके तहत की गई है। ठीक, तो ये है आपका, ये चालू की गई थी आपकी योजना 21 फरवरी 2016 को ये योजना प्रारंभ की गई थी, और इसके तहत जो है ऐसे क्लस्टर समय डेवलप करना है। नेक्स्ट आगे है राष्ट्रीय बायोश्री योजना। बायोश्री योजना, बायोश्री, बायो मतलब बायो बुजुर्ग आदमी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उम्र संबंधी बीमारियों का सामना कर रहे बीपीएल बुजुर्ग जितने भी हैं उनके जीवन से जुड़े हुए आवश्यक उपकरण क्या हो सकते हैं? जो वृद्ध आदमी उसके जीवन से जुड़े आवश्यक उपकरण क्या हो सकते हैं? आंखों में चश्मा लग सकता है, कान की मशीन लग सकती है, दांत लग सकते हैं, है ना, व्हील चेयर लग सकती है। तो उनके जीवन से जुड़े हुए जो आवश्यक उपकरण हैं उन उपकरणों को उन तक पहुंचा देना, इसके तहत श्रवण यंत्र, व्हील चेयर, कृत्रिम दांत, चश्मे आदि सारी चीजें आती हैं। इसके तहत एक कोष बनाया गया, वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष, और इसके लिए एक एजेंसी बनाई गई, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम। ठीक है, ये दोनों संस्थाएं मिलकर के इसको पूरे योजना को चलाएंगे। तो वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यक आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए ये मिशन बनाया गया है। ये मिशन आपका 1 अप्रैल 2017 को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट अगला है राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम। स्ट्रीट लाइट से समझ गए होंगे, रोडों में लाइटें लगी हुई हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल और आसान भाषा में एलईडी लैंप लगा देना है, है ना, एलईडी लैंप में कन्वर्ट कर देना है उसको। तो ये राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो इसमें 100 शहरों को चुना गया है अभी, जहां पे पारंपरिक स्ट्रीट लाइट की जगह घरेलू लाइट के स्थान पर ऊर्जा दक्ष एलईडी बल्ब को लगाया जाना है। देख रहे होंगे आप हर जगह पे एलईडी बल्ब लग भी रहे हैं, एलईडी बल्ब को लगाया जाना है। सरकार का उद्देश्य कि देश भर में 3.5 करोड़ परंपरागत स्ट्रीट लाइटों के स्थान पे एलईडी बल्ब लगा दिए जाए। ये राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम है, 5 जनवरी 2015 को प्रारंभ किया गया था। सब अभी की योजनाएं हैं जितनी हाल फिलहाल में हुई हैं। अगला नेक्स्ट राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना। इसका उद्देश्य क्या है? जल संसाधनों की जानकारी की सीमा एवं गुणवत्ता एवं पहुँच के लिए सुधार करना। ठीक है, अब देखो हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि कहीं पे बाढ़ आ जाता है, कहीं पे सूखा आ जाता है। रीजन इसका क्या है? हमें पता ही नहीं कि देश में पानी कहाँ पे कितना है, जल का डाटा नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या करना है, हम विश्व बैंक की सहायता से एक नया मिशन लेकर के आए। विश्व बैंक ने इस पे बिना ब्याज के काफी पैसा भी लगाया है। इसके तहत हम देश की बाढ़ की समस्या को खत्म कर देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, अप्रैल 2016 में लगाई गई। इसका उद्देश्य है कि देश में जल संसाधन किस बेसिन पे कितना है और कब बढ़ता है कब घटता है, इसका एक पूरा एनालिसिस तैयार करना, ताकि हमें पता चल सके कि कब किस बेसिन का पानी बढ़ जाएगा। ब्रह्मपुत्र बेसिन में पानी कितना है, कावेरी बेसिन में पानी कितना है, ठंडी में कितना रहता है, गर्मी में कितना बढ़ जाता है। तो हमारे पास एक डेटा होगा, तो पहले से ही बाढ़ की आपदा को हम ट्रैक कर पाएंगे और उससे पहले ही हम वहां के लोगों को बचा लेंगे।
ठीक है। तो विश्व बैंक के द्वारा इस योजना को हमारे, है ना, सहायता प्रदान की गई है विश्व बैंक, तो इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना अप्रैल 2016 में प्रारंभ हुई थी। अभी तक कोई ऐसा हमारे पास, है ना, ऐसा कोई टूल्स नहीं था, ये टूल्स डेवलप किया जा रहा है। तो इससे बाढ़ की भविष्यवाणी की क्षमता का विकास करेगा ये, और केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए 3,690 करोड़ रुपए व्यय भी किए गए हैं, इसके लिए व्यवस्था की गई है, ठीक है। अगला, जल जीवन मिशन। देखो अब जल की बात हर जगह होने लग गई है, जल एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव बनना शुरू हो चुका है, ठीक है। पानी की हम कद्र नहीं करते, आने वाले समय में पानी रुलाएगा। इसका उद्देश्य है कि 2024 तक भारत के हर घर घर में स्वच्छ जल पहुंचा देना, ये उद्देश्य से बनाया गया है। लेकिन पानी होगा तभी तो पहुंचाया जाएगा, पानी बनाने तो लगेंगे नहीं। पानी को आयात भी नहीं कर सकते आप, ये भी मुद्दा है। आप चाहें कि पानी आयात कर लें तो ये भी एक बहुत कठिन काम है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, घर घर तक स्वच्छ जल की उपलब्धता कराना, ठीक है। इसके लिए बिहार ने भी चालू किया है हर घर नल का जल, एक योजना बिहार ने इसी तर्ज पे चालू की है, हर घर नल का जल। तो अभी बिहार पीसीएस का एग्जाम है, शायद कुछ भिड़ जाए कहानी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि बाजार। दरअसल अभी तक क्या होता था, जितने भी किसान लोग थे वो जब अपनी फसल काटते थे, काटने के बाद उन्हें कृषि मंडियों पर जाना पड़ता था। कृषि मंडियों पे APMC एक्ट के तहत वहाँ पर देखते हैं उसके जो अनाज है, उसके खाद्य अनाज है, उसकी बोली लगती थी, नीलामी होती थी। नीलामी में कई बार उसके साथ छलावा होता है। छलावा क्यों होता है, यदि उस कृषि समिति के जितनी भी फड़े हैं उन फड़ों के द्वारा कार्टल बना लिया गया तो उसकी नीलामी एक कीमत से ज़्यादा नहीं लग पाएगी, यहाँ तक कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी कम लगती है। लेकिन किसान को पैसे की बहुत जल्द ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका पैसा, हो सकता है कि उसने बीज के लिए पहले पैसा ले रखा हो, हो सकता है उसे ऋण चुकाना हो साहूकार का। तो किसान की जैसे ही फसल आती है उसके बाद वो बेचने की बहुत जल्दबाजी में होता है, क्यों, भंडारण क्षमता भी नहीं उसके पास होती है। उसको लगता है फसल किसी तरीके से आ गई, जल्दी से जल्दी ये लिक्विड मनी में कन्वर्ट हो जाए। तो जिसका फायदा उठाते थे APMC वाले और उसको कम मूल्य देते थे, उसकी फसल का उसको कम कीमत आंकते थे, इन सभी को ध्यान में रखते हुए किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, किसानों को एक सुस्थिर सुनिश्चित राशि प्रदान करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कृषि मंडी, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम परियोजना को प्रारंभ किया है, ठीक है। इसके तहत क्या किया है सरकार ने, एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है। अब किसान पढ़ा लिखा भी होना चाहिए तभी तो प्रयोग करेगा। ऑनलाइन पोर्टल है जो, जिसके द्वारा राज्य की सभी मंडियों को उस पोर्टल से जोड़ दिया गया है, तो किस मंडी में क्या रेट चल रहा है किसान देख सकता है और ट्रेडिंग कर सकता है। तो यहाँ पे राज्य की मंडियों में से जोड़ दिया गया है, इससे दो चीज़ें होंगी, पहली चीज़ पारदर्शिता आ जाएगी और दूसरा किसानों को अधिकतम लाभ प्राप्त होने लगेगा। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार, इसी को ई नाम के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है, ये सब आप डालेंगे जब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए क्वेश्चन, ऐसे कुछ भी लिख रहे हैं, तो जो भी योजनाएं आपको उससे संबंधित हैं आपको डालनी पड़ेंगी, ध्यान रखिएगा, ये आपको कैटेगरीफाइज खुद करना है, ठीक। अगला, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण, दो मिशन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये 2005 का है, पुराना है, लेटेस्ट में है ये, लेटेस्ट का मतलब अभी नजदीक का, राष्ट्रीय शहरी ये 2013 में आया, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। वैसे देखा जाए तो आयुष मिशन की ये उपयोजनाएं हैं, आयुष मिशन जो चल रहा है, राष्ट्रीय आयुष मिशन, उसी के ही ये उपयोजनाएं हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का काम क्या है, इसका है कि गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य देखभाल देना लोगों, तो गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य देखभाल हो। इस मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कुछ टारगेट निर्धारित किए गए हैं कि शिशु मृत्यु दर हमें इतना गिरा देना है, मातृ दर को कम करना है, महिलाओं के स्वास्थ्य को सही करना है, बच्चों के स्वास्थ्य को सही करना है, पानी की, सफाई की, स्वच्छता की, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की सब तक पहुंच पहुंचानी है, सबके पास होना चाहिए पानी, सबके पास स्वास्थ्य होना चाहिए, सबके पास स्वच्छता होनी चाहिए, जनसंख्या स्थिरीकरण का काम करना है, देश की जनसंख्या जो अबाद रूप से बढ़ती जा रही है तो उसको भी हमें कंट्रोल करना है इसके माध्यम से। यह भी काम जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत रखा गया है। लोगों की जीवन शैली को बदलना है,
लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन लाना है, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा और मुख्य आयुष पद्धति को फिर से पुनर्जीवित करना है, फिर से हम पुरानी आयुर्वेदा योगा सिद्धा नेचुरोपैथी उसी में फिर से वापस आ जाना है। तो ये सारा काम है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का, इसके कई सारे लक्ष्य हैं जिन लक्ष्यों को हमें अचीव करना है। समय के साथ अपडेट होते रहते हैं, आप भी अपडेट होते रहिएगा। 12 अप्रैल 2005 को ये योजना आई थी। दूसरी है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 की योजना है, ठीक है। 2013 में शहरी और विशेष रूप से शहरी क्षेत्र में जो गरीब रह रहे हैं उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए योजना प्रारंभ की गई। नेक्स्ट राष्ट्रीय पोषण मिशन। राष्ट्रीय पोषण मिशन क्या कर रहा है, नीति आयोग के द्वारा यह प्रारंभ किया गया है। इसके तहत नीति आयोग ने ढांचा तैयार किया है कि 2022 तक भारत से कुपोषण की समस्या को खत्म कर देना है, जो कि पता नहीं हो पाएगी कि नहीं। कुपोषण का मतलब यह होता है कि ज्यादा खा लेना कुपोषण ही भी है, कम खा लेना कुपोषण और ज्यादा खाना दोनों कुपोषण। संतुलित आहार लेना, उसकी समझ विकसित होना, क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये जनता तक पास होना चाहिए और उनको जितना मिनिमम कैलोरी चाहिए काम के अनुसार उम्र के अनुसार, है ना, उस आधार पे उनके पास भोजन पहुंचे, तब न्यूट्रिशन आएगा, तब पोषण आएगा। पोषण का मतलब ज़्यादा खा लेना या कम खा लेना नहीं होता है, पोषण का मतलब होता है संतुलित भोजन करना, जितनी शरीर को आवश्यकता है उससे ज़्यादा नहीं खाना। ये सारी चीज़ें देश में देख रहे हैं कि अभी समय विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं कुपोषण के कारण। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन 2022 तक लगभग हमें इससे 100 मिलियन ये आबादी जो है देश की जो है इसे लाभान्वित होगी। नेक्स्ट राष्ट्रीय गोकुल मिशन। गोकुल मिशन 28 जुलाई 2014 को प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है, देसी नस्ल की गायों का संरक्षण करना है, गौशालाओं की मदद, गौशालाओं का विकास करना है हमें। इस योजना के तहत राष्ट्रीय पशु प्रजनन विकास कार्यक्रम को डेवलप करना है और इसके तहत हमें गोकुल गांव बनाने हैं, कुछ गोकुल गांव डेवलप करने हैं जहां पर गायों का संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन। राष्ट्रीय पशुधन मिशन किस लिए बनाया गया, यह मिशन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये पहल की गई है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन। अब इसमें पशुधन में बहुत सारे पशु आते हैं जो मनुष्यों के लिए बहुत हितकारी है। इसके तहत जो है पशुधन क्षेत्र के सतत विकास के लिए डिजाइन किया गया है। इसके लिए पशुओं को पशु चारा ही उपलब्ध कराया जाएगा, पहली बात, जो महत्वपूर्ण संसाधन है उनके भोजन की वो कराया जाएगा। पशुओं के रोगों, जो उनको रोग हो जाते हैं उसका प्रभावी इलाज कराने के लिए पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे। इसके बाद जो है उनके दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जाएगी। इसके बाद दूध से जुड़े हुए जितने भी पदार्थ हैं जो फूड प्रोसेसिंग के बाद बनते हैं, खाद्य प्रसंस्करण के बाद बनते हैं, उस उद्योग को भी बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है राष्ट्रीय पशुधन मिशन पे। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। समझ में आ रहा है, समझते जाइएगा, बहुत कमी होता है कि कम समय में आपको ज्यादा मटेरियल मिल पाए और आप सहज कर पाए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, देसी घी पछता नहीं है सबको, इसलिए दिमाग में थोड़ा कैपेसिटी बना के रखो, बहुत जरूरी है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, पिछले कल कितने बजे क्लास लेके गया हूं आपकी, 2 बजे, कितने बजे आया था क्लास में, तब से लेके सतत लिखता रहा हूँ पूरी रात, अभी तक बिना खाए खड़ा हूँ, ध्यान रखना, पूरी रात मैंने लिखा होगा। कहाँ से डेटा कलेक्ट किया होगा, मेरे पास कोई डेटा नहीं होता, उसी समय मैं डेवलप करता हूँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान देकर यदि कर ले जाओगे तो बेनिफिट मिलेगा। बहुत कम समय में ज़्यादा डेटा ले पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी खूबी होती है, और नहीं तो बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को। तो इसलिए थोड़ा सा फोकस रखो, अपने अंदर कैपेसिटी बिल्डअप करो, इतना सा ब्रेन नहीं है, बहुत ब्रेन है, बहुत मेमोरी है, विश्वास करो उसके ऊपर, ठीक है, ध्यान रखो क्लास पे। नेक्स्ट अगला, कहाँ पे थे हम थे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ये अभियान आपका 14 से 18 वर्ष के उम्र के लिए है, ध्यान रखिएगा, 6 से 14 के लिए प्राइमरी में रखिए, ठीक है, 14 से 18 माध्यमिक में रखिए। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की व्यवस्था है, इसके लिए क्या है, ये आपका जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, 1 से लेकर 0 से लेकर 8वीं तक प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है, और 12वीं के बाद की शिक्षा उच्चतर शिक्षा में आती है, आपकी हायर एजुकेशन में आती है। तो माध्यमिक शिक्षा को गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए इसके लिए सबसे पहली चीज, आपके आसपास विद्यालय होना चाहिए, माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए। प्राइमरी विद्यालय तो टारगेट पूरे कर दिए गए हैं, हर जगह हर 1 किलोमीटर में प्राइमरी विद्यालय आपको मिल जाएंगे आमतौर पे। माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी टारगेट रखा गया है कि माध्यमिक विद्यालय हर 5 किलोमीटर की दूरी पे होने चाहिए,
ठीक है। तो हर 5 किलोमीटर के दूरी में माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 7 से 10 किलोमीटर की दूरी पे उपलब्ध होने चाहिए और माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधारना है, इसके लिए ये सारे कार्य करना है। माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है इसके लिए। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसे रूसा भी बोलते हैं, 2013 में प्रारंभ किया गया, इसका भी काम वही है। ये राज्य स्तर पर एक योजना है, राज्य की बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं उन पे पहली बात उनकी मॉनिटरिंग करना, ठीक है, उनका पाठ्यक्रम क्या है, उन पे कैसे, उनका संस्थानिक ढांचा क्या है, वहाँ पे आधारभूत सुविधाएं क्या हैं, विद्यालयों को स्वायत्तता देना, जितने भी विद्यालय हैं विश्वविद्यालय अपना सिलेबस बना सके उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना, इन सभी माध्यमों से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत उच्चतर शिक्षा प्रणाली को सब तक पहुंचाना, सब लोग जो है हायर एजुकेशन करें पहुंचे उन तक, उसके लिए विद्यालयों की स्थापना उनका ढांचा विकसित करना इस योजना का लक्ष्य है। 2013 में ये रूसा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सतत कृषि विकास, देखो ये सब राष्ट्रीय योजनाएं जिनके आगे राष्ट्रीय लगा हुआ है, पहले मैंने प्रधानमंत्री योजनाएं पढ़ाई, अब मैं आपको राष्ट्रीय मिशन पढ़ा रहा हूँ, लगभग सभी राष्ट्रीय जुड़े हुए हैं। अगला है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, यह जलवायु परिवर्तन की कार्य योजना है, इसके तहत 8 मिशनों को रखा गया है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत, और इसके तहत 10 मिशन है जिसमें से मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जलवायु परिवर्तन, सतत कृषि मॉनिटरिंग है ना, उसके तहत जो है ये पूरी योजना रखी गई है और इसके तहत ही कार्य हो रहा है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, ठीक है। मैं एनवायरनमेंट का जब मास्टर वीडियो लेके आऊँगा तो मैं आपको सारा पूरा पढ़ाऊँगा, जितना भी ये पूरा टॉपिक है इसके तहत जितनी भी योजनाएँ हैं, जो भी कार्य किए गए कृषि परिस्थिति क्षेत्रों में किस तरीके से इस पर, तो वो सब पढ़ेंगे हम लोग। अगला है भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों मार्गों के विकास से जुड़ी हुई, नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, भारतमाला नेशनल हाईवे से जुड़ी हुई है, इसके तहत हमें सड़कों को तो डेवलप करना ही है, सड़कों के अलावा बंदरगाहों को भी डेवलप करना है, बंदरगाहों, राष्ट्रीय गलियारों जो नेशनल कॉरिडोर बन रहे हैं उनको भी डेवलप करना है और नए राष्ट्रीय गलियारों का विकास करना है। ये भारतमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 को प्रारंभ की गई, ठीक है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। राष्ट्रीय आविष्कार मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय आविष्कार मिशन ये 7 जुलाई 2015 को APJ अब्दुल कलाम जी थे उनके द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। इस अभियान के तहत स्कूली शिक्षा में विज्ञान व गणित के प्रति लोगों को आसानी से विज्ञान और गणित समझ में आए, उसके प्रति रुचि जागृत हो सके, तो विज्ञान और गणित के प्रति रुचि जागृत करने तथा इसमें लोगों को सृजनात्मक बनाने, क्रिएटिव माइंडसेट बनाने के लिए ये योजना चलाई गई, जिसमें IIM और IIT जैसे संस्थान इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे और इसको बाद में जो है 27 जुलाई 2015 को नाम बदल के अब्दुल कलाम आज़ाद इसको नाम रख दिया गया आविष्कार अभियान, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, यह अधिनियम आया 2013 में, किस उद्देश्य के लिए आया, देश की जनता भूखी न सोए, सबके पेट में भोजन रहे, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान लाया गया, इसके तहत यह है कि सस्ती दरों पर आपको भोजन मिलेगा, मिल भी रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपको 3 रुपये किलो में चावल मिल जाए, 2 रुपये किलो में गेहूं मिल जाए और 1 रुपये किलो में मोटा अनाज मिले, चीनी नहीं, 3 चीज़ें हैं, चावल, गेहूं, मोटा अनाज, ठीक है। जो चीनी मिलती है वो दूसरे तरीके से मिलती है, दूसरा मतलब जो BPL कार्ड बने, जो कार्ड बने हुए हैं आपके उसके माध्यम से, इसमें नहीं है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, इसमें खाद्य लिखा हुआ है, तो खाद्य फसलों के लिए ये बनाई गई पूरा का पूरा सिस्टम और ये बहुत अच्छे, इसके तहत कि एक परिवार के लिए 25 किलो अनाज की व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर चल रहा है। और यदि खाद्यान्न आपूर्ति नहीं मिल पाती जो उसके लिए पात्र है उसको फिर हर्जाना देगी सरकार, ये भी प्रावधान किया गया है, उसके लिए भत्ता प्रदान करेगी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, यह सूचकांक हवा की गुणवत्ता के बारे में पता लगाता है कि हवा कैसी है कहाँ की, आप देखते रहते हैं शुरू कभी कभी रिपोर्ट आती रहती है कि दिल्ली की हवा दूषित है, मुंबई दूषित है, ये दूषित है, वो दूषित है, ये बहुत अच्छा है, तो इसके लिए एक हर राज्य में कुछ मानक है, उन पैरामीटर्स के आधार पे एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर के आधार पे मान लिया जाता है कि यहाँ की हवा कैसी है। मैं आपको बता देता हूँ, यह सूचकांक हवा की गुणवत्ता के मापने के लिए बनाया गया है और इसके तहत अलग अलग नंबर दिए जाते हैं किसी भी शहर को और उस नंबर के आधार पर उसकी, जैसे कि यदि 0 से 50 तक कहीं की
कहीं किसी किसी शहर को नंबर मिलता है तो यानी कि वहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छी है, स्वच्छ है। यदि किसी को 51 से 100 तक मिलता है यानी कि संतोषजनक स्थिति है। यदि किसी को 101 से 200 के बीच में मिलता है तो यानी कि वहाँ की औसत स्थिति है। यदि 201 से 300 के बीच मिलता है तो खराब स्थिति है। यदि 301 से 400 के बीच में मिलता है तो ये बहुत खराब स्थिति है। और यदि 400 से 500 के बीच में मिलता है तो बहुत प्रदूषित शहर है, जल्दी मरेंगे लोग। ठीक है, आरंभ में 10 शहरों में इसे आरंभ किया गया, अब धीरे धीरे इसको बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रधानमंत्री के द्वारा एक बहुत सफल कार्यक्रम चालू किया गया है और लोग इसको समझते नहीं, जानते नहीं, प्रगति स्कीम, नाम सुना होगा आपने। क्या है प्रगति बताइए, प्रगति क्या है? नहीं जानते। इसके तहत एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया गया है। ये एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। इसके तहत सक्रिय शासन यानी कि गवर्नमेंट जो है सक्रिय है, अवेयर है। आप देखते होंगे प्रधानमंत्री हर महीने के चौथे बुधवार को, अभी बीच में आपने देखा होगा लाइव हो जाते हैं, कई डिपार्टमेंट हैं जहां के, देखो इसमें क्या किया गया है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जोड़ दिया गया है, हर राज्यों को सचिव को एक मंच के साथ जोड़ दिया गया है। प्रगति एक पोर्टल है, एक डिजिटल पोर्टल है, उसके तहत तीन कार्यक्रम इसके तहत रखे गए हैं। पहली चीज, जितने भी योजनाएं चल रही हैं, जितनी भी योजनाएं चल जा रही हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऊपर बैठ के उनका डेटाबेस डिजिटली रखा गया है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चेक कर सकती है किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी भी जगह पे कि वहां पे योजना किस रूप में कार्यान्वित हो रही है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या फिर सैटेलाइट्स के माध्यम से, सैटेलाइट्स के माध्यम से भी उन योजनाओं को पता किया जा सकता है। तो प्रगति एक पोर्टल है। अभी बीच में आप लोगों ने देखा था प्रधानमंत्री खुद लाइव हो गए थे इस योजना के तहत प्रगति के माध्यम से और जायजा ले रहे थे कि कहां पे क्या काम हुआ। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया है, जितने भी सचिव हैं, जिन जिन राज्यों के सचिव हैं सबको एक साथ इंटीग्रेट जोड़ दिया गया है। तो जब भी कोई भी स्कीम है उसका डेटा पहली बार डिजिटली रहता है और जो भी कार्य होता है उस कार्य को डिजिटली उसको देखा जा सकता है, उसको मॉनिटरिंग की जा सकती है। ठीक है, तो प्रगति क्या है, मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जो सक्रिय शासन और समन्वय के लिए बनाया गया है। अगला, राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम। युवाओं में नेतागिरी का गुण आ जाए, युवा नेता बन जाएं, उसके लिए भी प्रोग्राम चल रहे हैं। इसके लिए अब ये नेतागिरी, देखो लीडरशिप एक क्वालिटी होती है जो सबके अंदर नहीं होती है, इसको भी डेवलप करना होता है, ये भी एक स्किल होता है। तो सरकार ने क्या किया है, युवाओं में नेतृत्व के गुणों को विकास करने के लिए, अपनी पूर्ण क्षमता को साकार करने के लिए, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके लोग, उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम के तहत। पहली चीज, युवा विकास कार्यक्रम विकसित डेवलप किए हैं। राष्ट्रीय युवा नेता पुरस्कार देती है सरकार। इसके अलावा राष्ट्रीय सलाहकार, राष्ट्रीय युवा सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, पड़ोस युवा संसद को बनाया गया है। इसके तहत जो है जितने भी महिला सशक्तिकरण के मुद्दे हैं पड़ोस युवा संसद में उसको डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, डिस्कस किए जाते हैं और उन पर चर्चा की जाती है। तो युवाओं के अंतर्गत लीडरशिप क्वालिटी है उसके लिए बड़े स्तर पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम। ठीक है, अगला चलते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, बहुत फेमस रही योजना और बहुत उपलब्धि के साथ ही योजना पूरी हुई। उसने अपने सारे टारगेट पूरे कर लिए हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण से जुड़ी हुई योजना है। इस योजना का लक्ष्य था कि भारत के सभी गांवों को विद्युत पहुंचा देना, पहुंचा चुकी है योजना। 25 जुलाई 2015 को ये योजना, 2018 में इसका टारगेट था कि 18 तक गांवों को विद्युतीकृत कर देना है, कर चुकी। नेक्स्ट, संपूर्ण योग ग्राम योजना। अब ये क्या है, संपूर्ण योग ग्राम योजना, ये 19 मार्च 2018 को प्रारंभ की गई। 19 मार्च के बाद 21 जून आता है ना, 21 जून 2018 तक सरकार ये चाह रही थी कि प्रत्येक घर का एक आदमी नियमित रूप से योगा करे, ऐसा हम कल्चर डेवलप कर दें हर गांव में, हर गांव में प्रत्येक परिवार का एक आदमी कम नियमित योगा करे। ये नहीं आज किया कर गायब, है ना, या फिर एक साल में राष्ट्रीय योगा दिवस में ही करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक कल्चर डेवलप होना चाहिए हमारे देश में। ये काम शुरू हुआ केरल में, केरल के तर्ज पे भारत के सभी क्षेत्रों में इसे लागू किया गया। केरल में कुन्नानाथम गांव है, वहां से ये, वहां की पंचायत ने इनिशिएट किया था, सरकार ने इसको पूरे देश में लागू करने की बात की और इसी के तर्ज पे संपूर्ण योग ग्राम योजना प्रारंभ की गई 19 मार्च 2018 को। ठीक है, नेक्स्ट आगे, राष्ट्रीय सेवा योजना।
राष्ट्रीय सेवा योजना आप लोगों के लिए बनाई गई है कि जो युवा हैं, युवा जो है युवाओं में सेवा भावना का जागरण हो, राष्ट्र के युवा के व्यक्तित्व का विकास हो, इनकी गतिविधियों में ये क्या करें, राष्ट्रीय गतिविधियों में सहभागिता लें, है ना, नेशनल प्रोग्राम जितने भी होते हैं उन सब में सहभागिता लें, समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित में काम करें, ये लोग साक्षरता से संबंधित कार्य करें, पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित कार्य करें, स्वास्थ्य और सफाई से जुड़े कार्य करें, आपातकालीन जितनी भी आपातकालीन ज़रूरतें हैं, प्राकृतिक आपदा आती वहाँ पर युवा बढ़ चढ़ करके भाग लें, ये सब चीज़ें आपकी एक्टिविटी में आनी चाहिए, ठीक है। घर में सिर्फ किताबें ही दोस्त नहीं रहनी चाहिए, इस उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रीय सेवा योजना प्रारंभ की और सरकार का मानना है कि यदि युवा इस तरीके से समाज के साथ जुड़ेगा तो उसमें समाज सेवा के साथ साथ राष्ट्र सेवा की भावना का भी जागरण होगा। तो युवाओं में समाज सेवा के साथ साथ राष्ट्र सेवा का जागरण हो, इस उद्देश्य से राष्ट्रीय सेवा योजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन। सुपर कंप्यूटर के बारे में आप जानते हैं, है ना, सुपर कंप्यूटर्स अब जो है भारत में देखो साइंस एंड टेक बड़े स्तर पर डेवलप हो रहा है, तो भारत के सभी मंत्रालयों की ज़रूरत है, भारत के शिक्षा क्षेत्र की ज़रूरत है, भारत के अनुसंधान क्षेत्र की ज़रूरत है, भारत की वैश्विक प्रौद्योगिकी की ज़रूरत है, तो इसके लिए सुपर कंप्यूटिंग मिशन लाया है। सुपर कंप्यूटिंग मिशन का काम है कि भारत के जितने भी मंत्रालय सब जगह पर नए सुपर कंप्यूटरों को स्थापित किया जाए, तो सुपर कंप्यूटर की स्थापना पर बल देने के लिए सुपर कंप्यूटिंग मिशन लाया गया है, ठीक है। और ये मिशन आपका आया था 25 मार्च 2015 को। इसके तहत नए सुपर कंप्यूटर विभिन्न मंत्रालयों के वैज्ञानिक शोध करने वाली संस्थाओं, दवाओं के निर्माण, ऊर्जा के स्रोतों को तलाशने, जलवायु परिवर्तन करने आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, इसलिए सुपर कंप्यूटरों के लिए ये अभियान लाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इसका उद्देश्य है भारत में बागवानी के क्षेत्र का व्यापक वृद्धि करना, साथ साथ बागवानी और उत्पादन वृद्धि करना, और 2014-15 में इस मिशन में समेकित बागवानी मिशन का हिस्सा। बागवानी मतलब समझते हैं, क्या समझते हैं, हाँ, मन के अंदर समझते हैं, बागवानी मतलब फसलों की खेती, हॉर्टिकल्चर, नहीं पता, नहीं हो सकता, नहीं पता, तो बागवानी नहीं जानते आप लोग, हाँ, बहुत सारी चीज़ें। बागवानी एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत हर चीज़ की खेती बागवानी के अंतर्गत आ सकती है, ठीक है। बागवानी एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके तहत हर चीज़ की खेती आ सकती है, हर चीज़ के बागान लगा सकते हैं आप, फलों में भी जा सकते हैं, सब्जियों में भी जा सकते हैं, वाणिज्यिक फसलों में भी जा सकते हैं। बागवानी एक बड़ा विस्तारित कार्यक्रम के रूप में आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। तो बागवानी कार्यक्रम के तहत बागवानी को व्यापक स्तर पर हमें डेवलप करना है, बस ये है इसके तहत। अगला, नेक्स्ट, 2005-06 से योजना चली आ रही, अभी भी चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन। 2 अक्टूबर 2019 में खड़े होने जा रहे हैं हम लोग आने वाले समय में, तो 2 अक्टूबर 2019 से 5 साल पहले यानी कि 2 अक्टूबर 2014 में ये योजना सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। सरकार का मानना था कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर महात्मा गांधी को हम एक गिफ्ट देंगे, वो गिफ्ट होगा स्वच्छ भारत। वो स्वच्छ भारत ऐसा होगा जहाँ पर खुले में शौच से मुक्त भारत होगा, लोगों की आदतें बदल चुकी होंगी। तो यहाँ पर इन्होंने 2 अक्टूबर 2019 को राष्ट्र को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत के रूप में श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया जाएगा। इसका उद्देश्य है खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना, लोगों के व्यवहार में स्वच्छता संबंधी आदतें विकसित करना, हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना और नगरीय ठोस प्रबंधन के कार्यक्रम को भी विकसित करना। ये सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना। सिक्किम देश का पहला राज्य है जिसने अपने आप को खुले में मुक्त राज्य घोषित किया है। इसके अलावा भी और राज्य हो चुके हैं जिनमें से हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा भी आते हैं। यूपी बिहार को टाइम लगेगा, ठीक, आदतें हमारी खराब हैं। इसी के लिए शुरू किया गया दरवाजा बंद अभियान। दरवाजा बंद अभियान क्या था, घर में शौचालय तो है लेकिन जाएंगे बाहर, ये सोच वाले लोग भी हैं हमारे देश में, शौचालय में ताला लगा के रखते हैं,
ठीक है। तो इसके लिए चलाया गया दरवाजा बंद अभियान कि दरवाजा बंद करके ही जाओ, खुले में नहीं, है ना। तो बहुत सारी चीजों को लेकर के गवर्नमेंट काम करती है। तो ये आपका स्वच्छ भारत अभियान लेटेस्ट है, इसके बारे में जानकारी रखिएगा, ठीक है। 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था, 5 साल बाद इसका टारगेट पूरा हो रहा है। देखते हैं टारगेट कितना अचीव होता है, गवर्नमेंट के पूरे आंकड़े आएंगे और हो सकता है इसको एक्सटेंड भी किया जाए और या फिर इसको विस्तारित किया जाए। नेक्स्ट, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। ग्राम उदय इस कार्यक्रम के मुख्य घटक में राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सौहार्द स्थित करना है। ग्राम उदय से भारत उदय, इसका मतलब यह है कि हमें गांवों में जो सौहार्द है उसे फिर से विकसित करना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्राम उदय से भारत उदय अभियान चलाया गया था, ठीक है, 10 दिनों तक। इसमें सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना, पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करना, गांव के विकास को बढ़ावा देना, किसानों के कल्याण की योजनाएं विकसित करना, ग्राम पंचायतों का विकास करना और लोगों का सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए पूरा, ताकि गांव उदय से ही भारत उदय होगा, ये अभियान चलाया गया 14 अप्रैल 2016 से 24 अप्रैल 2016 तक। ये 10 दिनों पूरा कार्यक्रम चला। नेक्स्ट, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बहुत पुरानी है, 2 फरवरी 2006 है ना, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर क्षेत्र में प्रारंभ हुई, 200 जिलों में प्रारंभ की गई प्रारंभ में। बाद में इसको क्या कर दिया गया, बाद में ये योजना 1 अप्रैल 2008 को बढ़ाकर देश के सभी जिलों में लागू कर दी गई। फिर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम, पहले इसका नरेगा होता था, बाद में मनरेगा कर दिया गया, ठीक है। तो इसके तहत होता क्या है, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में एक वित्त वर्ष में यदि आपको जरूरत है, गांव क्षेत्र में एक वित्त वर्ष में यदि आपको जरूरत है, आपका जॉब कार्ड आप बनवा लेते हैं तो आपको 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा, ठीक, 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। और यदि आपको रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता, ये रोजगार कैसा रोजगार होगा, अकुशल श्रम होगा, स्किल्ड वर्क नहीं होगा, लेबर गिरी का या अकुशल श्रम कहते हैं उसे, अकुशल श्रम आपको प्रदान किया जाएगा। यदि आपको 15 दिनों के अंदर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता तो आपको भत्ता देना पड़ेगा, ये भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा आपको। 16 सितंबर 2015 को 100 दिनों को 150 दिन कर दिया गया, लेकिन तब जब खरीफ की फसल खराब हो, यदि खरीफ की फसल खराब हो गई किसी भी कारण से तो वहां पे रोजगार की अवधि 100 से बढ़ाकर 150 कर दी जाएगी। ये डिसीजन लिया गया था आपका 16 सितंबर 2015 से। उड़ीसा ने तो 200 दिन कर रखे हैं, उड़ीसा ने अपने, उड़ीसा सरकार ने 200 दिन का रोजगार वो प्रदान करते हैं, क्योंकि इसको कार्यान्वित करने का काम राज्यों का है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। नेक्स्ट, भारत निर्माण योजना, इसको रट लो, ये हर बार पूछता है, इसके 6 पॉइंट हैं, 1-2 पॉइंट नहीं है, जो बार बार कहता है ये भी है कि नहीं। भारत निर्माण योजना आपकी 16 दिसंबर 2005 को प्रारंभ की गई थी, 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण योजना प्रारंभ की गई थी, नाम से ये भारत निर्माण। तो भारत निर्माण योजना में गांवों के आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्रारंभ की गई। भारत का मतलब गांव होता है, भारत का मतलब, इंडिया का मतलब शहर होता है। तो भारत में गांवों के आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्रारंभ की गई। 6 बिंदु थे गांव में, पहली चीज थी सिंचाई, गांव में सिंचाई व्यवस्था हो, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। दूसरा, गांव में सड़कें हों, सिंचाई सड़क आवास, सिंचाई सड़क आवास, जल आपूर्ति, विद्युतीकरण होना चाहिए, और अगला है कनेक्टिविटी, दूर संचार। 6 पॉइंट है, इसमें ग्रामीण स्वच्छता है नहीं है, ग्रामीण स्वच्छता है नहीं है, शिक्षा है नहीं है, स्वास्थ्य है, जो नहीं है उसे दिमाग में रखिएगा, 6 याद रखिएगा, सिंचाई सड़क आवास जल आपूर्ति विद्युतीकरण दूर संचार। 1 नंबर का क्वेश्चन हर बार रिपीट करता है, पता नहीं क्या हो गया आयोग को। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया प्रोग्राम। मेक इन इंडिया प्रोग्राम है देश में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। मेक इन इंडिया प्रोग्राम देश में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है। इसके तहत भारत को ग्लोबल डिजाइन करना, विनिर्माण हब के रूप में परिवर्तित करना इसका लक्ष्य है। इसके 4 स्तंभ हैं, 4 चीज़ें मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हमें करनी है,
ठीक है, भारत को हमें एक वैश्विक इंडस्ट्रियल हब बनाना है, यहाँ पर हमें चीज़ों को मैन्युफैक्चर्ड करना है। पहली बात, हमारा देश कैसे यहाँ पर उद्योग स्थापित होंगे, कैसे बाहर की कोई कंपनी आकर हमारे यहाँ उत्पादन करेगी। सबसे पहला काम हमें करना है कारोबार करने की सुविधाएँ प्रदान करनी है। लाइसेंसिंग राज, इंस्पेक्टर राज, ये सब चीज़ें खत्म कर दी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, व्यापार करने को आसान बना देना है। तो कारोबार करने की सुविधा बनानी है पहली चीज़, ठीक है, यहाँ पे कोई भी आए आसानी से अपना कार्य शुरू कर सके। दूसरा काम हमें ये करना है कि यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे देना है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, पहले तो लैंड चाहिए उसको, आसानी से लैंड मिल जाए, है ना, लैंड चाहिए उसे, लैंड मिल जाए उसको, किसी भी प्रकार का जो भी मानक्स होते हैं वो मानक तुरंत उसके पूरे करा दिए जाएं, दिशाई हैं तो विभिन्न स्तरों पर उसको सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, एकल कृति, एक ही जगह पे जाए और वहीं पे सारी चीज़ें उसकी हो जाएं, 50 विभागों में से दौड़ाया ना जाए। तो कारोबार करने की सुविधा हमें देनी है मेक इन इंडिया के तहत, आधारभूत बुनियादी सुविधा देनी है उसको। अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों को जोड़ दिया गया है इसके तहत, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। उद्योगों के साथ साथ सरकार के संवाद में आमूलचूल परिवर्तन लाया गया है। पहले सरकार कंट्रोल करती थी, लाइसेंस देती थी, अब सरकार सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटर रहेगी और सरकार कुछ नहीं करेगी, कंट्रोल नहीं करेगी, ठीक है। तो सरकार का वार्तालाप सहभागिता वाला है, सरकार इन उद्योगों को कहेगी कि तो आपको जो जरूरत हो मुझसे लीजिए, आपको फंड चाहिए हम देते हैं, आपको जमीन चाहिए हम देते हैं, आपको ये चाहिए ये मानक आपका ये मिलता है, तो जो भी आवश्यक जरूरी चीज़ें हैं सरकार उनको उपलब्ध कराए। तो देश में मेक इन इंडिया का प्रोग्राम ये चालू किया गया था 25 सितंबर 2014 को, ठीक है। इसका आपने सुना ही होगा, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मेक इन इंडिया का लोगो शेर ही क्यों रखा गया है, क्योंकि ये इकोनॉमी का द्योतक है ना, इकोनॉमी, और शेर प्रतीक किस चीज़ का है, ऊर्जा का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है ना। तो हमारी अर्थव्यवस्था शेर की तरह शक्तिशाली बने, ऊर्जान्वित बने, है ना, ग्रोथ करे, उस चीज़ों के लिए आत्मनिर्भर बने, शेर आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है, तो इसलिए मेक इन इंडिया का लोगो इसको शेयर के रूप में भी रखा गया है। नेक्स्ट अगला है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम आप लोगों के लिए है, यदि आप लोग इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप लोग उद्यमी बनना चाहते हैं, तो सरकार उसमें आपको नव उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लेकर आई 16 जनवरी 2016 को। इसके तहत लाइसेंसिंग राज खत्म कर दिया गया, लाइसेंसिंग प्रणाली को खत्म कर दिया गया, भूमि की अनुमति प्रदान की गई, विदेशी निवेश प्रदान किया गया, पर्यावरणीय अनुमति जैसी चीज़ें प्रदान की गई, है ना, ये जितनी भी जरूरत चीज़ें होती हैं वो भी प्रदान की गई, ताकि देश के युवा उद्यमिता के लिए बढ़ावा पा सकें, प्रोत्साहित हो सकें, है ना। देश के युवा व्यापार की ओर बढ़ते नहीं हैं, वो बढ़ना प्रारंभ करें, पहली चीज़ तो ये कराई गई, ठीक है। अगला नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम हो गया है, नव उद्यमिता को बढ़ावा देना, देश के जितने भी युवा हैं नव उद्यमिता के लिए बढ़ सकें, उनको सारी चीज़ें देना, पूंजी से लेकर हर चीज़, ठीक। नेक्स्ट स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालय की है, इसके तहत पर्यटन मंत्रालय ने क्या किया है, 13 थीम आधारित परिपथों की पहचान की है, देश में 13 थीम आधारित परिपथों की पहचान की है और इनको डेवलप करने का कार्य किया, जैसे पूर्वोत्तर भारत परिपथ, बुद्धा परिपथ, हिमालयन परिपथ, कृष्णा परिपथ यानी कृष्ण भगवान से जुड़े हुए जितने भी पर्यटन स्थल हैं, पूर्वोत्तर भारत के जितने भी पर्यटन स्थल हैं, जितना बुद्धा से जुड़े हुए पर्यटक स्थल हैं उन सबको जोड़ना, मरुस्थलीय परिपथ रेगिस्तानी वाले क्षेत्र में, जनजातीय परिपथ, इको वन्य जीव परिपथ, ग्रामीण आध्यात्मिक परिपथ, रामायण विरासत, ये जितने भी हैं इन सबको आपस में जोड़ देना, और ताकि देश में पर्यटन डेवलपमेंट हो सके, तो इसको स्वदेश दर्शन योजना के तहत सरकार ने रखा है। समझ में आ रही चीज़ें कि नहीं समझ में आ रही, हैंग करने लगा, हाँ कहिए तो थोड़े सा प्राणायाम के लिए समय दिया जाए, नहीं दिया जाए, चलो ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, समझदार हैं आप लोग। नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रसाद योजना, ठीक है। प्रसाद योजना ये बनाई गई है, ये भी पर्यटन मंत्रालय की योजना है, इनका काम है कि जहाँ जहाँ पर भी बहुत सारे
भारत में बहुत सारे धर्म हैं, सभी धर्मों के अलग अलग तीर्थ स्थल हैं, तो सभी मतों के तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए प्रसाद योजना के तहत। ठीक है, इसके तहत सभी मतों के तीर्थ स्थलों का सौंदर्यीकरण करना, वहाँ बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, तीर्थ स्थल का जीर्णोद्धार करना एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान प्रसाद एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में विकसित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट अगला है आपका स्टैंड अप इंडिया योजना। पहला हो गया आपका प्रसाद योजना, अगला है स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को प्रारंभ की गई। स्टैंड अप, स्टार्टअप, स्टार्टअप, स्टैंड अप सेम है देखा जाए तो, वो भी नव उद्यमिता के लिए है और ये भी नव उद्यमिता के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर के लिए, लेकिन दोनों में अंतर है। स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम समाज के निर्बल वर्ग के लिए है, SC के लिए, ST के लिए, महिलाओं के लिए। यदि ये एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर, ये नव उद्यमिता के लिए आती हैं तो इन लोगों को स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम के तहत मदद की जाएगी। ठीक है, तो SC ST महिलाओं के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यह योजना देश के वंचित वर्गों को साख उपलब्ध कराने के लिए संस्थागत ढांचा प्रदान करने का लक्ष्य रखती है और 18 वर्ष से ऊपर जितनी भी SC ST की महिलाएँ हैं या फिर जो भी हैं वो इसकी पात्रता रखती हैं, आप कोई भी व्यवसाय प्रारंभ कर सकती हैं, आपको सरकार के द्वारा वित्त प्रदान किया जाएगा और आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट है उदय स्कीम। उदय, ध्यान रखिएगा उदय, ऐसे डायरेक्टली वो पूछ लेगा उदय स्कीम किससे जुड़ी हुई है। उदय स्कीम जुड़ी हुई है जितनी भी विद्युत कंपनियां हैं, बहुत सारी विद्युत कंपनियां हैं जो विद्युत प्रदान करती हैं आपको, है ना, हमारे यहाँ पे प्राइवेट कंपनी की विद्युत आती है, तो ये विद्युत कंपनियाँ कई बार क्या होती हैं, लॉस में चली गई हैं, बड़े स्तर पे घाटे में चली गई हैं, तो विद्युत कंपनियों के जीर्णोद्धार के लिए ताकि प्रोत्साहित हो सके सरकार ने उदय स्कीम चालू की है। देश में विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय सुधार तथा पुनरुद्धार पैकेज की योजना है। यह स्कीम 24 घंटे की किफायती सुविधाजनक बिजली सुनिश्चित कराने के लिए पथ प्रदर्शक है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्काम इंश्योरेंस योजना। ठीक है, तो ये योजना आपकी सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, उदय योजना किसके लिए है, विद्युत वितरण कंपनियों के पुनरुद्धार के लिए है। अगली है उजाला योजना। यह योजना सस्ती LED बल्ब को लेकर के है। ठीक है, सस्ते LED बल्ब मार्केट में मिल रहे हैं, आप जाइए बिजली घर से भी बल्ब ला सकते हैं सस्ते में, तो सरकार चाहती है कि आप लोग अब LED बल्ब का प्रयोग करें जिसमें दक्ष ऊर्जा क्षमता होती है, कम विद्युत लेती है और अच्छा प्रकाश देती है और वो प्रकाश आपके आंखों के लिए भी अच्छा है। तो ओवरऑल सरकार ने उजाला योजना के तहत ये उद्देश्य है विद्युत खपत को कम करना और पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है, तो उजाला योजना आपकी LED लैंप से जुड़ी हुई योजना है। अगला है आपका श्रमेव जयते योजना। श्रमेव जयते योजना, इसका पूरा दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना है। इस योजना के तहत देश के जो श्रम कानून है, श्रमिक हैं, श्रमिकों से जुड़े हुए बहुत सारे श्रम कानून हैं, उन पर सुधार करने का काम है। ठीक है, उन पर सुधार करना ताकि उनकी आधारभूत समस्याओं का समाधान हो सके। तो श्रमेव जयते योजना देश में श्रम कानूनों में सुधार करने से जुड़ा हुआ है। इससे क्या क्या फायदा होगा, एक तो जो श्रम कर रहा है यानी जो श्रमिक है उसे तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन उसके अच्छे स्वास्थ्य के कारण, उसकी सुविधाएं मिलने के कारण देश का औद्योगिक विकास होगा। ठीक है, श्रमिकों की आमदनी बढ़ेगी, श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि होगी और श्रमिकों की समस्याओं का समाधान होगा। तो बहुत सारी चीज़ें इस योजना से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है आपकी वरिष्ठ पेंशन योजना। ये भी पेंशन, दो पेंशन योजनाएं, अटल पेंशन और वरिष्ठ पेंशन योजना। वरिष्ठ पेंशन योजना ये भी वित्त मंत्रालय की योजना है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए ये योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य है, ये LIC के द्वारा प्रारंभ की गई योजना है। 10 वर्ष के लिए 8% का आपको रिटर्न प्राप्त होगा, ये योजना वरिष्ठ पेंशन योजना के तहत। अटल पेंशन योजना के तहत वही रूल है, 18 से 40 साल का जो युवा है वो अटल पेंशन की योजना के तहत एक प्रीमियम भर सकता है, अपनी क्षमता के अनुसार प्रीमियम भर सकता है। 60 साल के बाद उसको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा, जो भी उसकी प्रीमियम राशि होगी उसके आधार पर और उसकी आयु के आधार पर। तो अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो ये आपकी एक, इसका जो है पेंशन को एक संस्था है आपकी जिसका नाम है पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड नियामक PFRDA कहते हैं इसको, इस संस्था के द्वारा इसको इस योजना को चलाया जा रहा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगला चलते हैं
अटल पेंशन योजना के बाद मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के बारे में सब जानते हो, बहुत आसान है। वर्ष 2020 तक 2 वर्ष से छोटे शिशु जितने भी हैं और गर्भवती महिलाएं, उनको टीकाकरण कराना है ताकि उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी रहें। तो टीकाकरण अभियान है जिसके साथ 7 बीमारियों को देखा गया है, 7 बीमारियों को इसमें टारगेट किया गया है। पहली बीमारी है डिप्थीरिया, दूसरा है पोलियो, तीसरा है क्षय रोग, चौथा है काली खांसी, फिर टिटनेस और हेपेटाइटिस बी। फिर से एक बार सुनिए, डिप्थीरिया, पोलियो, क्षय रोग यानी टीबी, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी। लेकिन आगे जाकर के कुछ बीमारियों को और जोड़ा गया, अब 11 हो गई हैं। 11 बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं। अब 11 बीमारियों के टीके कौन कौन से हैं ये भी आप देख लीजिए। खसरा, इसका भी टीका इसमें लगाया जा रहा है। रूबेला वायरस, जापानी इन्फ्लेटलाइटिस, रोटा वायरस, IPVP, इन चार का टीका और लगाया जाता है। तो 7 4 11 रोग हैं जिनका टीका मिशन इंद्रधनुष के तहत लगाया जा रहा है। ठीक है, तो अब 11 हैं, 7 नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, संसद आदर्श ग्राम योजना। यह योजना किसके लिए है? सांसदों के लिए है। सांसदों को कुछ काम करना है। करना क्या है? अपने गांव, अपने क्षेत्र का, अपने संसदीय क्षेत्र का और अपने रिश्तेदारों के संसदीय क्षेत्र का गांव छोड़कर एक गांव गोद में लेना है। अपने संसदीय क्षेत्र का और अपने रिश्तेदारों के संसदीय क्षेत्र का गांव छोड़कर एक गांव गोद में लेना है और उस गांव को डेवलप करना है। कैसे डेवलप करना है? इस गांव को ये क्या करेंगे, एक आदर्श गांव के रूप में बनाएंगे जिसमें ग्राम पंचायत, नागरिक समाज, सरकारी मशीनरी, सभी लोग साझा रूप से मिलकर काम करेंगे। गांव के लोग, पंचायत और वहां की सरकारी मशीनरी मिलकर काम करेंगे और गांव के उपलब्ध संसाधनों का उच्चतम उपयोग करेंगे और नैतिक रूप से गांव की जितनी भी जो भी एक आदर्श गांव के रूप में प्रस्तुत करेंगे अपने आप को। ठीक है, इसके तहत 2016 तक एक गांव, 2019 तक दो गांव और 2024 तक 5 गांव एक एक संसद को करना है। ठीक है, मोदी जी का जयपुरा गांव सबने सुना होगा। नेक्स्ट, अगला है संसद आदर्श ग्राम योजना, है सांसदों के लिए है, दोनों सदनों के जो सांसद हैं सबको करना है ये काम, तो ये सतत रूप से चल रहा है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया स्कीम। ठीक है, खेलो इंडिया स्कीम आपकी 22 अप्रैल 2016 को आई। इसके तहत युवाओं के व्यक्तिगत विकास को बढ़ाना, पर्सनालिटी आपकी डेवलपमेंट करना, सामुदायिक विकास करना, आर्थिक विकास करना और राष्ट्र के विकास में खेलों को मुख्य धारा के रूप में जोड़ देना, यानी कि खेल के माध्यम से आपका व्यक्तिगत विकास हो, राष्ट्रीय विकास हो, आपका सामुदायिक विकास हो, आर्थिक विकास हो। इसके लिए भारतीय खेल छात्रवृत्ति योजना भी प्रारंभ की गई है। यदि आप खेल क्षेत्र में जाते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, ये भी यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट, अमृत मिशन है अटल कायाकल्प शहरी रूपांतरण मिशन। इसका उद्देश्य क्या है? बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। अटल कायाकल्प शहरी रूपांतरण मिशन का मुख्य उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, शहरी क्षेत्रों के लिए भावी विकास की योजनाएं तैयार करना। इसके तहत 500 शहरों को चिन्हित किया गया है और इन 500 शहरों में जलापूर्ति, सीवेज व्यवस्था, ड्रेनेज व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन सुविधा, शहरी सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो 500 शहर इसके तहत अमृत मिशन के तहत अमृत किए जाएंगे। रूर्बन मिशन भी बनाया गया है, अमृत मिशन भी बनाया गया है, स्मार्ट सिटी अभी आगे आएगा। इसके बाद है आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सब जानते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 9 फरवरी 2015 को लागू किया गया। इसके तहत किसी खेत विशेष के लिए फसलवार किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, किन उर्वरकों की आवश्यकता है, उसके लिए ब्यौरा जारी किया जाएगा। जैसे आपका खेत है तो आपके खेत के लिए क्या होना चाहिए, है ना, दूसरे पड़ोसी का खेत है तो उसके लिए उसकी मिट्टी में कौन कौन से उर्वरक नहीं है, तो हर खेत के लिए अलग अलग एक प्रोफाइल बनाई जाएगी, सॉयल प्रोफाइल।
इसके लिए प्रयोगशालाओं में मिट्टी का परीक्षण किया जाएगा और उसके आधार पे किसानों को बताया जाएगा कि आपकी मिट्टी में खाद डालने की आवश्यकता है कि नहीं है, है तो कितनी है। तो एक ये सॉयल प्रोफाइल पूरे देश के लिए बनाया गया है, ये सिस्टम मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत है, ठीक है। नेक्स्ट है साथ कार्यक्रम। साथ कार्यक्रम नीति आयोग का एक बहुत भावी कार्यक्रम है। नीति आयोग ने सस्टेनेबल एक्शन प्लान फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल अर्थात मानव पूंजी रूपांतरण के लिए स्थायी कार्यक्रम बनाया है। सहकारी संघवाद का कार्यक्रम है, जब भी सहकारी संघवाद की बात आए यानी राज्यों की बात आ गई, राज्य और केंद्र मिलकर काम करेंगे, तो सहकारी संघवाद से जुड़ा कार्यक्रम है ये। और इसके लिए विभिन्न राज्यों को शिक्षा स्वास्थ्य के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का कार्य करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, साथ कार्यक्रम के तहत मिल करके ये दो मानव पूंजी को विकसित करेंगे। आप लोग मानव पूंजी हैं, आप लोगों के ऊपर दोनों मिलकर काम करेंगे साथ कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना तो एक योजना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, उसके अंतर्गत ही एक योजना बना दी गई आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। इसका काम है स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को आजीविका के लिए वैकल्पिक स्रोत प्रदान करना। बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उन सेल्फ हेल्प ग्रुपों को कुछ अल्टरनेटिव्स रोजगार मिल जाए उसके लिए ये आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना प्रारंभ की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट भीम आधार ऐप इस समय बहुत यूज कर रहे हैं, देश को लेस कैश इकोनॉमी की ओर ले जाने के लिए या कैशलेस इकोनॉमी के लिए ले जाने के लिए या बैंकिंग सिस्टम को ही ज़्यादा प्रयोग करने के लिए भीम आधार ऐप का प्रयोग किया जाता है। ये योजना आपकी 14 अप्रैल 2017 को नागपुर से प्रारंभ होती है, ठीक है। और इस योजना के तहत मनी ट्रांसफर ऐप है ये, इसके तहत कम नगद अर्थ आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत को ले जाना है। इसके लिए एक संस्था है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके द्वारा ये पूरा बनाया गया है एप्लीकेशन। उसको चलाया किस आधार पे जा रहा है, UPI के द्वारा। आप देखते हैं सबका एक यूनिक UPI नंबर होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के द्वारा ये चलाई जा रही है। और ये इसके तहत जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, सिर्फ मोबाइल नंबर है जो बैंक में रजिस्टर्ड है, उसके माध्यम से इससे लेन देन कर सकता है। समझ रहे हैं, UPI, उसमें आप जब UPI नंबर जनरेट कर लेंगे, फिर आपके पास कोई पेमेंट गेटवे हो, कुछ हो, कुछ भी ना हो, आपके पास कोई भी फोन होगा उसके माध्यम से भी आपका बैंकिंग लेन देन हो जाएगा। ये उस तरीके से ऑफलाइन भी ऐप चलता है, इंटरनेट भी नहीं होगा तो भी काम होगा। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ये पानीपत से चालू हुआ था 22 जनवरी 2015 को मोदी जी के द्वारा। उद्देश्य क्या था, देश में बाल लिंगानुपात को सही करना, महिलाओं की और पुरुषों का जो लिंगानुपात है नकारात्मक और लिंगानुपात उसे सही करना, तो उसको लेकर एक पहल था। इसका मुख्य उद्देश्य है पहली चीज लोगों की सोच में परिवर्तन करना, पुरुष और लड़की के भेद को खत्म करना। लोगों के दिमाग में ये आता है ना कि लड़की पैदा हुई तो पेट में ही मरवा देते हैं, भ्रूण हत्या करवा देते हैं, लड़की पैदा ही नहीं होने पाती। तो सरकार को एक पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से लड़की और लड़के के मतभेद को खत्म करना है। तो लोगों के लिए एक ये संदेश दिया गया कि लड़के लड़की में कोई भेद नहीं है। तो पहले तो सोच को बदलना है लोगों के, पहला काम तो इसके तहत ये करना है, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। दूसरा काम बालिकाओं के बचाव के लिए संरक्षण सुनिश्चित करना है। सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, यदि कहीं भ्रूण हत्या, पहली बात तो देश में लीगल है, यदि कोई करता है लिंग जांच भी कराता है तो उसको अपराध के तहत गिरफ्तार भी किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है अगला काम करना, बालिकाओं को शिक्षा सुनिश्चित कराने के लिए भी व्यवस्था करना है, ठीक है, और लिंग समानता स्थापित करना है इसके तहत। अगला नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। लोग बच्चियों को मार क्यों देते हैं पेट में, रीजन ये होता है कि लोगों को लगता है कि लड़की दहेज लेकर जाएगी, दूसरे घर की संपत्ति होगी, हमारे पास आने वाले समय में हमारे घर में भार बन जाएगी। तो सरकार ने इसको भी ध्यान में रखा और सरकार ने बच्ची के पैदा होते ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत उसका अकाउंट खोलने की बात कही, जिसके तहत 18 साल तक उसका पैसा जमा होता रहेगा। 18 साल बाद वो पैसा निकाला जा सकता है, कितना, 50% उसकी शिक्षा के लिए, लेकिन 21 साल बाद पूरा पैसा निकाला जा सकता है उसके विवाह के लिए, ठीक है। तो दो ये जो है सरकार ने इसमें मिनिमम अमाउंट पे ये होगा, आपका अकाउंट बन जाएगा। 10 साल तक माता पिता ऑपरेट करेंगे, 10 साल के बाद लड़की ऑपरेट करने लगेगी अपने अकाउंट को। तो सुकन्या समृद्धि योजना ये भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ही ये भी शुरू किया गया था। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि सब भांग खाए बैठे हुए हैं।
हाँ ठीक है, अगला नेक्स्ट अगला है पब्लिक सेक्टर के लिए, पब्लिक सेक्टर के जितने भी बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र के जितने बैंक हैं उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें आ गईं, जिसके लिए मिशन इंद्रधनुष लाया गया। मिशन इंद्रधनुष ये दूसरा मिशन इंद्रधनुष है, इसमें 7 तरीकों से बैंकिंग सेक्टर की प्रॉब्लम को ख़त्म करना था। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर के बैंकों को मिशन इंद्रधनुष रणनीति के तहत इनमें पारदर्शिता लाना है, इनके NPA को ख़त्म करना। देखो NPA मोटा मोटी मैं समझाता हूँ, NPA कुछ नहीं, बैंकों ने जो लोन बांट रखा है यदि वो लोन से इंटरेस्ट आना बंद हो जाए 90 दिन बाद यदि उस पैसे में कोई लो इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कोई ब्याज नहीं आ रहा, तो वो ऐसी संपत्ति बन जाती है जिससे बैंक को कोई फायदा नहीं हो रहा और NPA घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे बैंक से आप लोन लेंगे, लोन लेने के बाद 1 महीने की आप किस्त गायब कर दो, मत भरो। ठीक है, अगले महीने ही बैंक का दिमाग खटकने लगेगा, किस आदमी का दिमाग है ना, फोन करना चालू कर देगा आपको 3 से 4 बार, हो सकता है एक एजेंट भेज दे कि पता करो इसका दिमाग में क्या चल रहा है। और जैसे ही 3रा महीना हुआ और आपने पैसा कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, पैसा भी नहीं जमा किया, तो सरकार तुरंत उसको NPA घोषित कर देगी और आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। हो सकता है यदि आपने होम लोन लिया हो तो आपके घर का नाम आ जाए अखबार में कि भैया किसको खरीदना हो तो खरीद ले, यदि ये संपत्ति नीलाम हो रही है, आपके घर के बाहर एक नोटिस चिपका जाएगी कि भैया ये नीलाम हो रही है, ये भर नहीं पा रहे लोन। ठीक है, तो ये पूरा जो है NPA का पूरा मुद्दा है। अब तो बैंक बहुत सतर्क हो गए हैं, पहले बड़ा फर्जीवाड़ा चलता था, अब फर्जीवाड़ा खत्म हो चुका है मिशन इंद्रधनुष के तहत। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष के तहत बैंकों की समस्याओं को सुलझाना है, उनमें अपारदर्शिता थी, पहले पारदर्शिता लाना है। अपारदर्शिता किस चीज़ में, जो चीफ बैठे हुए थे वो चीफ ही, जो हेड बैठे हुए थे किस आधार पे बैठे हुए हैं, उसके लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया। विनोद राय का नाम आपने सुना होगा, वो अध्यक्ष हैं। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो का काम था कि जो इनके चीफ बनेंगे बैंकों के, पब्लिक सेक्टर के बैंक के जितने भी हैं, इन बैंकों के चीफ की क्या मानक होंगे इसको तय करेंगे आप। बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा एक काम किया जाएगा। तो ये आपका क्या क्या काम है, पहली बात NPA की समस्या है इसको सुधारना है, इसके तहत पहली बात नियुक्तियों को सही करना है, बैंकों में जो नियुक्तियां हो रही हैं बड़े लेवल पे उनको एक बार रेगुलेट करना है, उसके लिए बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो की व्यवस्था की गई। बैंकों का विलय भी किया जा सकता है, कई बैंकों को मिला करके अभी देख रहे हैं ना, बैंकों का विलय चल रहा है। बैंकों का सशक्तिकरण, जवाबदेही बनाना, प्रशासनिक सुधार करना, ये बहुत सारी चीज़ें बैंकों की जाएंगी। नेक्स्ट है, इसी के लिए एक लाया गया सरफेसी स्कीम। सरफेसी स्कीम के तहत बैंकों को ये अधिकार दिया गया कि यदि आपका कोई ऋण नहीं चुका पाता है तो कर्जे की वसूली के लिए आप उसकी संपत्ति की नीलामी कर सकते हैं। ये अधिनियम के बाद ही आया ये, तो आपके संपत्ति की आपसे बिना विनय माल्या की आधी ज़्यादा संपत्ति जितना लेके भागा नहीं था उससे ज़्यादा का नीलामी हो चुका है। ठीक है, वो कह रहा जितना मैं लेके नहीं गया भगोड़ा अलग से साबित हूँ, अब बेच बाच के बराबर भी बैंकों ने कर लिया। ठीक है, तो नीलामी के तहत भी पैसा पूरा वसूल लिया जाएगा, इसके लिए सरफेसी इसकी अधिनियम लाया जा चुका है। नेक्स्ट है उन्नत भारत अभियान। ये उन्नत भारत अभियान जो है आपका IIT के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है, IIT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च के द्वारा ये चालू किया जा रहा है। इनके तहत क्या किया जा रहा है, उन्नत भारत अभियान, ये किसी गांव को गोद ले लेते हैं, जैसे IIT कानपुर किसी गांव को गोद ले ले, IIT खड़गपुर किसी गाँव को गोद ले ले, तो गाँव का गोद लेने का मतलब ये नहीं है कि उसका बच्चा हो गया, गाँव का मतलब है कि वहाँ पर सामूहिक भागीदारी के द्वारा वहाँ पर आधारभूत सुविधाओं का विकास IIT करेगा। ठीक है, तो ये गांव का गोद जो है ये संस्थाएं भी ले सकती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च ले सकती है, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT, IIT और ये सारी संस्थाएं ले सकती हैं। तो इसको उन्नत भारत अभियान के तहत, इसको उन्नत भारत अभियान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वन बंधु कल्याण योजना। वनों में कौन रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, उनके कल्याण के लिए योजनाएं आरंभ की गई हैं, उनके बुनियादी ढांचे के लिए योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, उनके लिए सामाजिक समूहों के बीच मानव विकास से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनकी बुनियादी संरचनाओं को दूर करने के लिए वन बंधु विकास योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, तो जो आदिवासी लोग हैं उनका डेवलपमेंट करने, उनको आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए वन बंधु विकास योजना। नेक्स्ट है मेगा फूड पार्क योजना। मेगा फूड पार्क योजना क्या है, इसके तहत सभी को एक जगह पे ले आना है, जैसे यहाँ पे किसान है, किसान भी ले आइए, किसान ने जो चीज़ें उपजाई हैं वो चीज़ों से जो चीज़ें प्रसंस्कृत हो, जैसे कि किसान ने टमाटर की खेती की तो वहाँ पर कैचअप कंपनी को ले आइए,
है ना, आपको ऐसे क्लस्टर्स, ऐसे पार्क डेवलप करने हैं जहां पे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, तीनों सेक्टर एक साथ हों, ठीक है। तो इसमें मेगा फूड पार्क योजना के तहत किसान और प्रसंस्करणकर्ताओं को तथा व्यापारियों को भी वहीं पर ले आइए जो खरीदने वाले लोग हैं, ठीक है, वहीं से कैचअप बिकने चालू हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, किसानों को, प्रसंस्करणकर्ताओं को, खुदरा व्यापारियों को एक ही साथ ला करके उत्पादन बाजार से जोड़ने के तंत्र को मेगा फूड पार्क योजना कहते हैं, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ा सरकार की है और बड़े कई जगह पे मेगा फूड पार्क हो गए हैं। दरवाजा बंद अभियान, ठीक है, अमिताभ बच्चन जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, देश भर में शौचालयों के प्रयोग को बढ़ावा देना। आपके घर में शौचालय तो कृपया इसे प्रयोग करें और दरवाजा बंद करके ही बैठें, ठीक है, शौचालय के लिए। और इसके बावजूद जो है ये सारी चीज़ें, क्योंकि लोगों के घर में शौचालय लेकिन व्यवहार में प्रयोग नहीं करते हैं, अभी भी खुले में जाना पसंद करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे पड़ोस में एक हैं, ठीक है, तो उनके पास है, उनके लड़के की शादी होनी थी तो बहू को दिखाने के लिए वो आ गया, लेकिन अपना बंद करके खलिहान में ही, खुले में। मैं जब पाता हूँ तो उनको फिर, हाँ। नेक्स्ट, अगला है वन नेशन वन राशन। इसमें कुछ नहीं है, आपको अब यहाँ पे बैठे हो ना तो यहीं पर आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जाना है, वहाँ से राशन ले आना है, ठीक है। अभी क्या होता था कि वो जो कार्ड था अब उस आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है, ठीक है, आधार कार्ड से लिंक कर देने के कारण अब आपका राशन कार्ड चलेगा, कहीं भी देश के किसी भी एरिया में जाइए वहाँ से राशन प्राप्त कर लीजिए। अभी क्या हो रहा था कि वो जो इतने भी लोग वहाँ से पलायन होकर के आते थे उनका, ठीक, हाँ, ठीक है ना। अगला, नेक्स्ट, तो यहाँ पे बस वही है कि जो भी लोग राशन कार्ड के आधार पे, इसको राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है, इसका लाभ पूरे देश में कहीं पर भी राशन की प्राप्ति की जा सकेगी, धांधली समाप्त हो जाएगी। पहली चीज, धांधली कैसे समाप्त होगी, उसके नाम का राशन तो आ रहा था लेकिन वो था ही नहीं, तो वो कहाँ जा रहा था राशन, है ना, तो अब वो गया तो उसका राशन भी वहाँ से गया, क्योंकि उसका आधार कार्ड यहाँ अटैच हो चुका है, ठीक है। तो आधार कार्ड, वो राशन कार्ड जो होगा उसको कहीं जहाँ से वो अटैच कराएगा उसके बाद उसका राशन वहाँ नहीं पहुँच के वहाँ पहुँचने लगेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम गवर्नमेंट डेवलप कर रही है और इसके लिए कई सारे राज्य हैं, जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा में एक राष्ट्र एक कार्ड कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने एक पोर्टल बनाया है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल बनाया है, उसके तहत ये पूरा काम चल रहा है, ठीक है। अगला है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था, उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को 8वीं तक की शिक्षा प्रदान कराना, ठीक है, संतोषजनक, गुणवत्तापूर्ण, निशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा तक सबका अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान आया आपका, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिस आबादी वाले क्षेत्रों में अभी तक स्कूल नहीं बनाए गए हैं वहाँ नए स्कूल खोलना, ठीक है, जहाँ पे स्कूल नहीं है वहाँ पे स्कूल बनने चाहिए, तभी तो लोग जाएंगे पढ़ने। अतिरिक्त कक्षाओं हेतु नए कमरे बनाए जाना, शौचालय, पेयजल, रखरखाव आदि के लिए सुधार लाना, शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सब तक पहुँचाना, बच्चों को स्कूल से जोड़े रखना, ठीक है, बच्चों के लिए व्यवस्था करना मिड डे मील तक की, उनके भोजन की व्यवस्था भी करना, उनके पोषण की व्यवस्था भी करना, उनका ड्राप आउट नहीं हो, यानी एक बार बच्चा यदि आ जाए फिर स्कूल छोड़ के ना जाए। आमतौर पे ड्राप आउट बहुत ज़्यादा होता है, पहली कक्षा में यदि ज़्यादा बच्चे हैं तो दूसरी क्लास तक वो पहुँचते ही नहीं है, ठीक है, इसके बाद फिर वो वापस लौट जाते हैं, तो उसके लिए भी ये सारी व्यवस्था इसी के तहत की गई है। इसके लिए मध्याह्न भोजन योजना की भी व्यवस्था पहले कर दी गई थी, 1995 की योजना है। इसकी स्कीम के तहत प्राइमरी के स्कूल के बच्चों के लिए 450 कैलोरी यानी 12 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, तथा ऊपरी क्लास के बच्चों के लिए 700 कैलोरी यानी 20 ग्राम प्रोटीन की व्यवस्था की गई है। और इसके लिए इसका उद्देश्य है कि बच्चों का पोषण भी हो और बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति भी बढ़े, इस उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई है। पढ़े भारत बढ़े भारत योजना लेटेस्ट योजना है, 26 अगस्त 2014 की योजना है ये। इस योजना में सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये कार्यक्रम चालू किया गया है। इस योजना में
समय के साथ पढ़ने लिखने में रुचि बनाए रखने, भाषा में सुधार करने, गणित में उसके सामाजिक परिवेश से संबंध, सहज और सकारात्मक रुचि पैदा करने के उद्देश्य से ये योजना बनाई गई है। नेक्स्ट है उड़ान योजना। ठीक है, उड़ान योजना CBSE के द्वारा प्रारंभ की गई है। CBSE में क्या होता है, अभी देखो IIT वगैरह के एग्जाम होते हैं, यहाँ पे महिलाओं का रेशियो बहुत कम है, लड़कियाँ सिर्फ 11-12% ही हैं जो IIT जैसे एग्जाम को क्रॉस करती हैं। तो CBSE ने उड़ान योजना चालू किया, रट लो इस योजना को। उड़ान योजना CBSE के द्वारा प्रारंभ की गई ताकि IIT JEE में बच्चियों के रेशियो को बढ़ाया जा सके, छात्राओं के रेशियो को। तो इसके तहत ये है कि 11वीं 12वीं में वर्तमान 12-13% जो महिलाएँ हैं उनकी संख्या बढ़ के 50% के आसपास हो जाए, समझ गए, IIT में महिलाओं की उसको बढ़ाना। कलादान परियोजना, ये आपका IR से जुड़े हुई परियोजना है। ठीक है, कलादान परियोजना है कि पूर्वोत्तर भारत में वस्तुओं की आपूर्ति हो जाए। एक्चुअली में गुजरात से कोई चीज़ आप नॉर्थ ईस्ट ले जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ जा रहा है। मान लीजिए कोई चीज़ आप नॉर्थ ईस्ट से आयात करते हैं, ठीक है, और आयात करने के बाद उसको जो है माफ़ कीजिएगा, मान लीजिए पश्चिम से आयात करते हैं, आयात करने के बाद गुजरात आती है, गुजरात से पूर्वोत्तर भारत जाती है, तो बेहतर ये कि कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया कि पूर्वोत्तर भारत में आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, वहीं के आसपास से हम कोई भी चीज़ आयात कर लें। इसके लिए ये परियोजना चालू की गई, कालादान परियोजना। मोटा मोटी आसान भाषा में कहूँ कि एक कनेक्टिविटी योजना है। भारत को म्यांमार से जोड़ दिया गया है, भारत को म्यांमार बॉर्डर से जोड़ा गया है कालादान परियोजना के तहत। इसके तहत कोलकाता बंदरगाह को सितवे बंदरगाह से जोड़ दिया गया है, पहली बात तो ये, और सितवे बंदरगाह को कालादान नदी, एक कालादान एक नदी है, देखो क्या है, पहले कहाँ जाएगा, कोलकाता से सितवे जाएगा, जहाज बड़ा है, ठीक है, लेकिन अब वहाँ से नदी पड़ रही है, बंदरगाह के बाद नदी पड़ रही है अंदर जाने के लिए, तो जहाज बड़ा है तो नदी से तो नहीं जा सकता, उसके लिए छोटी छोटी नावें होती हैं, स्टीमर्स होती हैं, तो पूरा माल फिर नाव में जाएगा, तो फिर कालादान नदी के माध्यम से अंदर जाएगा, और कालादान नदी के बाद जो है एक जगह पड़ती है कतेलवा, कतेलवा से भारत म्यांमार सीमा तक पहुंच जाएगा, वहां के सड़क मार्ग तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से पूरे मार्ग को इसको जोड़ा गया है। ठीक है, कालादान प्रोजेक्ट ये भारत का पूर्वोत्तर भारत के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसपे काम चल रहा है। नेक्स्ट है सेतु भारतम कार्यक्रम। सेतु भारतम कार्यक्रम आसान भाषा में समझाऊं, जितने भी नेशनल हाईवे हैं आप देखते हैं ना, नेशनल हाईवे में रेलवे जा रही होती है कभी कभी 20 से, तो रेलवे से बचने के लिए पुल बना, ऐसे ही मानव युक्त वो बना, लोग क्या करते हैं यदि बैरियर लग भी गया तो नीचे से निकल जाते हैं, उनको कोई डर नहीं होता अपनी जान का, चाहे ट्रेन आए चाहे जो आए, तो ये क्या होते हैं मानव युक्त होते हैं जितने भी हैं, तो इनको अब क्या कर रही है गवर्नमेंट करी, अब इनको हमें ख़त्म करना है, हम क्या करेंगे फ्लाईओवर बना देंगे, ओवरब्रिज बना देंगे, तो जितने भी साधन निकलने होंगे, जितने भी लोगों को निकलना होगा वो ओवरब्रिज के माध्यम से निकल जाएंगे। जैसे आप लोग आते होंगे तो यहाँ पे भाटिया मोड़ से पूरा ऊपर एक ओवरब्रिज बना दिया गया है, उसके नीचे से रेल निकलती रहती हैं। तो सरकार चाहती है कि जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वहाँ पर आए पुलों का निर्माण कर दिया जाए ताकि ये रेलवे फाटक से मुक्त हो जाए। ठीक है, इसके लिए सरकार 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत ओवर ब्रिज भी बनाए जाएंगे और अंडर ब्रिज भी बनाए जाएंगे 208 और 500 पुराने जर्जर पुलों को, ठीक है, फिर से पुनर्निर्माण किया जाएगा, उनको भी डेवलप किया जाएगा। सेतु भारतम योजना, सेतु का मतलब होता है पुल। ठीक है, नेक्स्ट सुगम्य भारत अभियान दिव्यांगों के लिए है। आप अस्पतालों में जाते हैं, अस्पतालों में देखते हैं कि दिव्यांग जो हैं अपनी व्हीलचेयर से चल सकते हैं, चढ़ सकते हैं। सुगम्य भारत का मतलब है कि हर जगह दिव्यांगों को सुगमता प्रदान कर दी जाए। अब किसी के पैर यदि नहीं है तो वो कैसे सीढ़ी चढ़ेगा, तो ऐसे पाथ का डेवलपमेंट कर देना हर जगह पे, हर सरकारी डिपार्टमेंट में, हर सार्वजनिक जगह पे जहाँ पर दिव्यांग आसानी से चल सके, इसे बोलते हैं सुगम्य भारत अभियान। ठीक है, इसके तहत क्या करना है हमें, इसके सुगम्य भारत अभियान के तहत विकलांग व्यक्तियों के जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी को बढ़ाना है ताकि उनको आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सके। समझ रहे हैं, समझ गए नहीं सुगम्य भारत क्या है। ठीक है, अगला नेक्स्ट किसान क्रेडिट कार्ड योजना, बड़ी फेमस योजना, अभी भी चल रही क्रेडिट कार्ड योजना।
इसका उद्देश्य है किसान को छोटी मोटी ज़रूरतें जो पड़ती हैं, घरेलू ज़रूरतें पड़ती हैं, कृषि के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो सरकार वित्त मुहैया कराती है। इसके तहत सरकार क्या करती है, फसल की बुआई के लिए, कटाई के लिए, घर के खर्चे के लिए, जो भी किसान पात्र हैं और जो इच्छुक हैं, जो चाहते भी हैं, उनके लिए एक किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराती है। और ये क्रेडिट कार्ड जो है स्मार्ट कार्ड की तरह काम भी करता है, आप जाके एटीएम से भी पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान एक बार किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालने के बाद गायब हो जाते हैं, फिर उस पैसे को भरते नहीं हैं, ये लोन है, फिर इंतज़ार करते हैं कि कब लोन माफ़ होगा। ठीक है, तो ये योजना काफ़ी विवादित भी रही, लेकिन फिर भी किसानों की आधारभूत आवश्यकताएँ पूरी हुई। नेक्स्ट है बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो ये मिशन इंद्रधनुष के तहत बैंकिंग सुधार के लिए बनाई गई संस्था है। इसका कार्य क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के प्रमुखों की नियुक्ति करने की सिफारिश करना कि भाई SBI बैंक है, इसके प्रमुख ये होंगे, इसके चेयरमैन ये होंगे, इसके सिफारिश बैंक बोर्ड ब्यूरो करेगा। जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, जितने भी सरकारी बैंक हैं, ये सभी बैंकों की सिफारिश कौन करेगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो करेगा। समझ रहे हैं, एक संस्था बना दी गई है, जैसे अभी चीफ आर्मी स्टाफ वाला कॉन्सेप्ट आया है ना, वैसे ही बैंक बोर्ड ब्यूरो बैंकिंग सिस्टम के लिए एक संस्था ही है जो नियुक्तियों का काम करेगी। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो ये और भी बहुत सारे काम करेगी। पहली बात तो एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरा, ये बैंकिंग क्षेत्रों के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करेगी। अगला, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड स्कीम आप जानते होंगे, आपके घर में सोना रखा है तो काहे को रखा है ना, उस सोने को आप जाइए बैंक में दे दीजिए, बैंक आपको 2.25% से 2.5% तक ब्याज देगी। ठीक है, 30 ग्राम से ज़्यादा सोना आप बैंकों के पास जाके रख सकते हैं, लेकिन बैंक आपके सोने को पिघला भी देगी, ये भी क्लियर है। ठीक है, ये नहीं कि आप झुमका रख के, झुमका ही नहीं वापस करेगी। ठीक है, और जब मेच्योर्ड हो जाए आपका वो सोने का, तो उसमें चाहे तो सोना ले लीजिए उसका एक्स्ट्रा जो उस समय रेट चल रहा होगा, या तो क्या करना है, आप चाहें तो पैसे में भी ले सकते हैं कि भाई हमें पैसा वापस कर दो। तो स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, व्यक्ति या चैरिटेबल संस्था केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अपना सोना, अब इसके तहत कई चीज़ जोड़ दी गई, कोई व्यक्ति भी अपना सोना रख सकता है। इसका उद्देश्य यह है कि हमारे देश को सोने का आयात बड़े स्तर पर करना पड़ता है, जबकि भारत के लोगों ने सोना को खरीद खरीद के अपने घरों में रख रखा है, तिजोरियों में बंद है सोना। कब प्रयोग किया जाता है, महिलाओं के द्वारा शादी वादी के जितने भी प्रोग्राम होते हैं तब, वो भी रोल्ड गोल्ड निकलता है। तो सोना देश की तिजोरियों में बंद रखने की क्या जरूरत है, आप उसको इकोनॉमी में क्यों नहीं फ्लो कर रहे हैं, देश के पैसे को आपने एक जगह पे जाके जमा कर दिया। तो देश में जहां जहां भी सोना है, मंदिरों में सोना है, देश चैरिटेबल संस्था का मतलब कोई भी मंदिर भी हो सकता है, कोई भी ट्रस्ट भी हो सकता है, तो चैरिटेबल संस्था यदि कोई है, सरकार केंद्र सरकार के पास सोना रखा है, राज्य सरकार के पास सोना रखा है, आपके पास सोना रखा है, तो घर में पड़ा है सोना, तो फिर काहे को रोना है ना, वो सोना को जाके जमा करिए, उससे आपको पैसा मिल जाएगा, और बाद में उसको आप चाहें तो उससे आप है ना, जितना भी कल के दिन जो रेट होगा उस आधार पे आपको, इसके लिए ब्याज दर है 2.25 से 2.5% तक ब्याज दर मिलेगी। परिपक्वता इसकी जो है, परिपक्वता में आप इसको सोने में ले सकते हैं, पैसे में ले सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन आप झुमके के बदले झुमका मत मांग लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो पिघला के दूसरे काम में यूज कर लिया जाएगा। इससे 2-3 फायदे होंगे, पहले तो आयात बंद हो जाएगा, ठीक है, तो जो सोने की मार्केट बाहर की अर्थव्यवस्था से, वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, उससे आत्मनिर्भरता आ जाएगी भारत को, है ना, भारतीयों का ही सोना, भारत का ही सोना भारत में रेगुलेट होगा, क्यों बाहर से मंगवाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इससे बहुत सारे बेनिफिट भी होने हैं। अगला, नेक्स्ट, सक्षम योजना। सक्षम योजना आप लोगों के लिए बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य है कि जो किशोर हैं, यानी 16 साल से ऊपर के लोग, किशोर अवस्था में आते हैं आप लोग, 16 वर्ष से ऊपर जितने भी युवा हैं, वो शारीरिक, मानसिक तथा भावात्मक रूप से, यहाँ तक कि लिंग संवेदनशीलता आदि चीज़ों पर उनका ध्यान दिया जाए और उनका पोषण स्तर सही किया जाए, इसको सक्षम योजना कहते हैं। इसी का योजना एक महिलाओं के लिए बनी है, जिसको सबला योजना कहते हैं। उसके तहत भी ये जो किशोरी हैं, उनको भी यही सारी चीज़ें हैं कि उनको भावात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, लिंग संवेदनशीलता रूप से पोषण प्रदान किया जाए, ताकि वो सबल हो जाए, सबला बन जाए। ठीक है, अगला है नमामि गंगे अभियान। नाम सुना होगा इसका, नमामि गंगे अभियान। गंगा को प्रदूषण मुक्त
करने के लिए बनाया गया है। इस अभियान के द्वारा गंगा नदी को फिर से पुनर्जीवित करना है, ठीक है। गंगा बड़ा अपवित्र हो गई है, तो ये एकीकृत गंगा को चलाया जा रहा है, ठीक है। इस प्रोग्राम के को 2019 से 2020 के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है, ठीक है। एक योजना है नमामि गंगे अभियान, ठीक, नमामि गंगे अभियान, याद रखिएगा। इस योजना को तहत गंगा नदी को पुनर्जीवित करना है, साफ सुथरा करना है। गंगे नदी पर जगह जगह पर औद्योगिक क्षेत्रों से, शहरों से निकलती है गंगा नदी, तो उस क्षेत्रों के जितने भी सीवेज हैं, जितने भी नाले हैं, जितने भी ऐसी चीज़ें अपशिष्ट चीज़ें गंगा नदी पर जाती हैं, उन सबको बंद करना और गंगा को पवित्र करना। कहाँ से लेकर जहाँ से गंगा निकलती है, जहाँ से गंगा जाती है, यानी उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक गंगा को शुद्ध करना है। गंगा की इसमें मिलने वाली सहायक नदियों को भी शामिल किया गया, यानी पूरा गंगा नदी तंत्र इसमें जुड़ा हुआ है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है नमामि गंगे योजना के तहत। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, अगली योजना है आपकी स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी योजना जो है, इसके अंतर्गत उन प्रमुख शहरों को रखा गया है जिनकी आधारिक संरचना जो है, उनको आधारिक सुरक्षा मुहैया कराना है। हमें क्या क्या चीज़ें करना है स्मार्ट सिटी के तहत? पहली बात, वहाँ पर जलापूर्ति होनी चाहिए, ई प्रसाद, एक तरीके से समझिए काल्पनिक सिटी है, व्यवहार में आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं। ई प्रशासन होगा, इको फ्रेंडली होगा, सीवेज सिस्टम बहुत अच्छा होगा, है ना, परिवहन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होगा, सुशासन होगा वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डिजिटल होगी, पूरी तरीके से डिजिटल होगी, सड़कों की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी। तो हमें क्या करना है, 100 शहरों को चुना गया है स्मार्ट सिटी योजना के तहत। तो यहाँ पे स्मार्ट सिटी योजना है, 25 जून 2015 को योजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत उन प्रमुख शहरों को प्रोत्साहित करना है जो मुख्य रूप से आधारिक संरचना मुहैया कराते हैं, जिसके अंतर्गत जलापूर्ति सुनिश्चित, विद्युत आपूर्ति, ई गवर्नेंस, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सुशासन, आईटी कनेक्टिविटी, सुस्थिर पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, नागरिकों के लिए सुरक्षा, परिवहन आदि चीज़ों को यहाँ पर डेवलप करना है हमें, ठीक है। 100 शहरों को इसमें लिया गया है, जिसमें, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यांजलि योजना। विद्यांजलि योजना जो है, स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए, निजी क्षेत्र के लिए सरकारी स्कूलों को जोड़ने से संबंधित योजना है, यानी कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको गवर्नमेंट स्कूल से जोड़ना है हमें, ताकि वहां पे प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके, ठीक है, विद्यांजलि योजना। अगला है सबला योजना। सबला योजना के बारे में मैंने बताया, 11 से 18 वर्ष तक की जितनी भी बालिकाएँ हैं उनको पोषण प्रदान करना, आयरन प्रदान करना, फोलिक अम्ल की गोलियाँ देना, पोषण, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें जान देना, ताकि वो सबल और आत्मनिर्भर बन सकें और सुपोषित बन सकें, ठीक है। महिलाओं से जुड़ी हुई है, महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई है। वन रैंक वन पेंशन योजना, देखो आम तौर पे 2006 से पहले क्या होता था, ये खासकर है डिफेंस सर्विसेज में। डिफेंस सर्विसेज में 2006 से पहले यदि कोई रिटायर हुआ है और 2006 के बाद कोई रिटायर हुआ है, तो दोनों की पेंशन में एक ही रैंक होने के बाद भी आधारभूत अंतर था, इसको लेकर के ये विभेदात्मक था। रैंक एक ही थी लेकिन उनका ईयर अलग अलग था। 2006 से पहले यदि कोई रिटायर हुआ तो उसके लिए अलग पेंशन, 2006 के बाद हुआ तो अलग पेंशन। तो इसको लेकर बड़े स्तर पे डिफेंस के कर्मचारियों ने, आर्मी के कर्मचारियों ने, सभी ने विरोध किया, और उसको लेकर के मोदी सरकार ने 2014 में ये योजना लेकर आए। इसके तहत इन्होंने क्या किया, इसके तहत अलग अलग समय पर रिटायर्ड हुए एक ही रैंक के दो सैनिकों की पेंशन को, अंतर को ख़त्म कर दिया, कि अब यदि एक रैंक में हो तो एक ही पेंशन रहेगी, चाहे आप पहले रिटायर हो चाहे बाद में रिटायर हो। तो ईयर के जो प्रॉब्लम थी उसे ख़त्म कर दिया गया, सेम रैंक को सेम पेंशन मिलेगी, ठीक है। और ये जो है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है? भारत को डिजिटली सशक्त करना है, भारत को डिजिटल ज्ञान देना है, भारत की इकोनॉमी को डिजिटल बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ना है ग्रामीण क्षेत्रों को, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायतों को भी हमें डिजिटली कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भारत का एक भावी प्रोग्राम है, जो बड़े स्तर पे काम किया जा रहा है इस कार्यक्रम को। और इसके तहत भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड इसका क्रियान्वयन कर रही है, यही जो है भारत में फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क भी बिछा रही है, एक संस्था है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, इसके द्वारा ये काम किया जा रहा है। अगली है दीनदयाल अंत्योदय योजना।
योजनाएं लगभग लगभग ख़त्म हो रही हैं और यहाँ से आपके पोर्टल हैं, ये पोर्टल भी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इसको हम जल्द ही कंप्लीट करते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो आपकी है ये 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ हुई, ठीक है। इस योजना के तहत कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि की गई है, शहरी तथा ग्रामीण गरीबी को कम किया गया है। यह योजना शहरी आजीविका मिशन तथा राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन को जोड़कर बनाई गई है। मुद्दा आसान भाषा में मैं समझाना चाहूँ तो दीनदयाल अंत्योदय जो मिशन है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ गरीबी को ख़त्म करने के लिए एक योजना है, शहरी गरीबी हो चाहे ग्रामीण गरीबी हो, बस ठीक है। पुराने जितने भी कानून मिशन थे उनको हटा दिया गया। नेक्स्ट है, ये है सरकार के कुछ ऐप हैं, एक एक लैंग्वेज में है, आसानी समझते जाना है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे पोर्टल बनाए हैं और बहुत सारे ऐप बनाए हैं। पहला ऐप है गर्व ऐप, ठीक है। गर्व ऐप जो है ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए, यानी विद्युत मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय ने इसे बनाया है। गर्व ऐप ग्रामीण विद्युतीकरण से जुड़ा हुआ आपका ऐप है, ठीक है, विद्युत निगरानी के लिए है। दूसरा है दिव्यांग सारथी ऐप, ये केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। दिव्यांग लोग जितने भी होते हैं, दिव्यांग लोगों के लिए आसानी से सूचनाएं उपलब्ध कराता है दिव्यांग सारथी ऐप, कि सरकार के द्वारा क्या क्या उनके लिए चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। अगला है ई सनद, ई सनद है कि विदेश में जाने वाले जितने भी लोग हैं उनके दस्तावेजों को डिजिटल कर दिया जाए, ताकि विदेश में जाके ऐसा ना हो कि दस्तावेज खो जाए और किस तरह की प्रॉब्लम आए। तो जितने भी लोग विदेश जाते हैं उनके लिए एक पोर्टल बनाया गया, ई सनद, गवर्नमेंट का पोर्टल है, ठीक है। नेक्स्ट है ई उपकरण, ई उपकरण जो है राजस्थान में सभी अस्पतालों में ई उपकरण के तहत जितना भी उपकरणों का भंडार है उसका डेटा वगैरह जितना भी होता है इसी ऐप के द्वारा मैनेज किया जाता है। ई औषधि, ये दवा आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन एप्लीकेशन है, जितनी भी औषधियां हैं उन सबके उनका जितना भी डेटा है ई औषधि ऐप में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका दीक्षा, दीक्षा जो ऐप है आपका ये बनाया गया है शिक्षकों को अपनी जीवन शैली को डिजिटल बनाने के लिए बनाया गया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास द्वारा ये दीक्षा पोर्टल बनाया गया है, ताकि जितने भी शिक्षक हैं ये शिक्षक अपनी जीवन शैली को डिजिटल बना सके, ठीक है। नेक्स्ट अगला ऐप है तरंग ऐप, तरंग ऐप केंद्रीय विद्युत मंत्रालय का पोर्टल है जिसके तहत ट्रांसमिशन परियोजनाओं पर नजर रखी जाएगी। अगला ऐप है द्वीप ऐप, द्वीप ऐप जो है आपका ये विद्युत मंत्रालय का ऐप है, इसके तहत मध्यकालिक विद्युत खरीदी जाएगी। अगला ऐप है ताम्र पोर्टल, ताम्र का मतलब होता है तांबा, यानी कि ये खनन मंत्रालय से जुड़ा हुआ पोर्टल है, खनन गतिविधियों से को ये निगरानी रखेगा, उनको बढ़ावा देगा। प्लान प्लस, प्लान प्लस ये ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ पोर्टल है। इसके बाद पेंसिल, पेंसिल बाल श्रम निरोधक पोर्टल है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो है उनसे बाल श्रम कराया जाता है, उसकी ये ट्रैकिंग करेगा, उसका डेटा रखेगा। केंद्रीय श्रम एवं नियोजन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। बंधन तोड़, बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह, दहेज प्रथा, लैंगिक असमानता के खिलाफ बंधन तोड़ पोर्टल जारी किया गया है, ठीक है। उमंग, उमंग केंद्र राज्य तथा यहाँ तक कि स्थानीय निकायों के लिए ई सरकारी सेवाओं के लिए मोबाइल ऐप के रूप में विकसित किया गया है। हमराज, हमराज ये भारतीय सेनाओं के लिए है, भारतीय सेना के जितने भी जवान हैं वो अपनी सेवा के बारे में जानकारी पूरी यहाँ से ले सकते हैं, कि उनकी पोस्टिंग कहाँ पे है, उनका प्रोन्नति कितनी हुई है, उनका प्रमोशन कितना हुआ है, तो भारतीय आर्मी से जुड़ा हुआ है हमराज ऐप। अगला है समाधान ऐप, समाधान ऐप चुनाव आयोग का मोबाइल ऐप है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के चुनाव लड़ने की जानकारी, उनके नागरिकों उम्मीदवारों आदि की शिकायत वगैरह दर्ज कराने के लिए समाधान ऐप बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है सुविधा ऐप, सुविधा ऐप भी चुनाव आयोग का ऐप है, यदि आप पॉलिटिक्स में हैं तो इसके माध्यम से चुनावी एजेंट, चुनावी प्रतिनिधि, चुनावी उम्मीदवार आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है नक्शे, नाम से ही है नक्शे, नक्शे का मतलब है ये साइंस एंड टेक मंत्रालय के द्वारा भू विज्ञान मंत्रालय का एक एप्लीकेशन है, जिसका काम है भू विज्ञान को, भारत की धरती को पूरा मैपिंग करना और उसके बारे में जानकारी रखना। नेक्स्ट है आपकी मेरिट, ये रटना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, इसको आपको लग रहा हो एक एक ये रटना पड़ेगा, ये ऐसे ही एक पूछता है, एक दो तीन क्वेश्चन इनमें से फंसेंगे आपके। मैंने लगभग लगभग जितनी भी मेरे पास थी मैंने यहाँ पर आपको प्रस्तुत करने की कोशिश की है। विद्युत मंत्रालय का वेब आधारित पोर्टल है, ठीक है, इसके तहत राज्यों द्वारा उत्पादित बिजली को मेरिट ऑर्डर पर डेवलप किया जाता है।
नेक्स्ट है आपका इनाम प्लस ऐप, इसको ये परिवहन मंत्रालय का वेब पोर्टल है, सरकारी और निजी जो भी जो है परिवहन से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं इनाम प्रो प्लस ऐप में आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट है कोयल मित्र, कोयल मित्र यानी कोयल का मतलब कोयला, यानी कि कोयला मंत्रालय का वेब पोर्टल है जिसका उद्देश्य कोयला के उपयोग को लचीलापन बनाना है। नेक्स्ट है आपका तरंग संचार, तरंग संचार आपका तरंग से मतलब है दूर संचार से जुड़ा हुआ, दूर संचार विभाग का मोबाइल ऐप है, टावरों से जुड़ी हुई जितनी भी ट्रांसमिशन गतिविधियां हैं उसकी जानकारी तरंग संचार के द्वारा ली जा सकती है। अगला है हरपथ, हरपथ जो है ये हरियाणा सरकार का ऐप है जो सड़कों की स्थिति के बारे में जानकारी देता है, हर से मतलब हरियाणा, पथ से मतलब सड़क, हरियाणा की हरपथ का, ठीक है। इसके बाद है पीपल फर्स्ट, पीपल फर्स्ट आंध्र प्रदेश द्वारा ये आरंभ किया गया मोबाइल ऐप है जो लोगों के शासन के बारे में वास्तविक समय में सूचना देकर सशक्त करेगा, लोगों को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कितनी भी की गई गतिविधियों के बारे में जानकारी देगा। नेक्स्ट है आपका जन सुनवाई पोर्टल, यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अपने आवास स्थल में जन सुनवाई दिवस मनाई जाती है उसके लिए ये एक शिकायत दर्ज करने का ऐप है, यदि आप जन सुनवाई दिवस में नहीं जा सकते बैठे बैठे शिकायत दर्ज करा सकते हो। तो जन सुनवाई पोर्टल एक जारी किया गया है और यह मीडिया हेल्पलाइन के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट है आपका सगुर पोर्टल, सगुर पोर्टल सर्व शिक्षा अभियान के तहत आधारित एक पोर्टल है, इसका काम है भारत में बुनियादी शिक्षा नवाचार और प्रगति को देखना और उसे प्रदर्शित करना, भारत में एजुकेशन सेक्टर को ट्रैक करता है सर्व शिक्षा अभियान के तहत सगुर पोर्टल। नेक्स्ट है मुखबिर योजना, मुखबिर योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने चालू की, उद्देश्य क्या था, लिंगानुपात यानी भ्रूण हत्या जो हो रही हैं उनके बारे में यदि आप सरकार को बताते हो तो आपकी जानकारी गोपनीय रखी रहेगी और जो लोग भी लिंग जांच करने में या कोई भी लिंग अपराध करने में पाए जाते हैं तो वो, ठीक है, उनको दंड दिया जाएगा। तो मुखबिर योजना उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख योजना है, 24 जून 2017 को लॉन्च की गई थी, इसके तहत ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, या उनको पकड़ा जाएगा जो इसके तहत आएंगे। एक योजना हवा बदलो अभियान, हवा बदलो अभियान गेल ऑफ इंडिया गैस अथॉरिटी लिमिटेड इंडिया लिमिटेड के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ठीक है, गेल एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो इसके हवा बदलो योजना के तहत ये है कि एक जो द्विपहिया वाहन है वो भी CNG से चलेगा, अभी चार पहिया वाहन CNG से चलते थे, अब द्विपहिया वाहन भी CNG से चलेगा, उसको लॉन्च किया गया है, ये बहुत पुराना है लेकिन ज़्यादा कारगर नहीं है, 23 जून 2016 को प्रारंभ किया गया है, CNG से चलने वाले प्रथम दो पहिया वाहन का शुभारंभ किया गया है, हवा बदलो अभियान यानी पर्यावरण प्रदूषण को खत्म करने को लेकर ये प्रयास है हवा बदलो अभियान, ठीक है। सफर ऐप जो बनाया गया है ये हवा की गुणवत्ता और मौसम के पूर्वानुमान प्रणाली के लिए एक ऐप बनाया गया है, पहली बार दिल्ली में जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो सफर ऐप का प्रयोग किया गया था दिल्ली के प्रदूषण को जानकारी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है गूगल लून प्रोजेक्ट, गूगल एक बहुत बड़ी इंटरनेट सेवा प्रदाता संस्था है, गूगल के माध्यम से भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट चालू किया जिसे गूगल लून प्रोजेक्ट कहते हैं, ऐसे क्षेत्र जहां पर इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है वहां पर गूगल के द्वारा बड़े बड़े गुब्बारे छोड़कर इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान की जा रही है, इसे गूगल लून प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो गूगल लून प्रोजेक्ट गूगल के द्वारा प्रारंभ किया है, इसके द्वारा बड़े गुब्बारों के माध्यम से सरकार गूगल क्या कर रहा है इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करने का प्रयास कर रहा है, अभी ये प्रायोगिक तौर पे चल रही है। नेक्स्ट है ऊर्जा गंगा परियोजना, ऊर्जा गंगा परियोजना 24 अक्टूबर 2016 को प्रारंभ की गई, वाराणसी में प्रारंभ की गई, उद्देश्य क्या है, पूर्वी भारत के यानी पूर्वोत्तर जितने भी पूर्वी के राज्य हैं उन राज्य के नागरिकों को पाइपलाइन के गैस पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ा जाना, ठीक है, और प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराना, तो इसको ऊर्जा गंगा परियोजना कहते हैं, प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसे प्रारंभ की गई। इसके तहत कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, इसके तहत बनारस से ये गैस पाइपलाइन प्रारंभ होगी, बनारस पटना जमशेदपुर कोलकाता, ठीक है, रांची भुवनेश्वर यानी उड़ीसा तक जाएगी, उत्तर प्रदेश से उड़ीसा तक एक गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी जो पूर्वी भारत मतलब बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को कवर करेगी, ठीक है। तो ऊर्जा गंगा परियोजना एक गैस प्रधारित योजना है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सनराइज, प्रोजेक्ट सनराइज ये है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहुत सारे युवा नशे के इंजेक्शन लेते हैं, नशे के इंजेक्शन भारत में आम हो चुका है प्रचलन, पूर्वोत्तर भारत के युवा लेते हैं, है ना, वहाँ तो पहाड़ है ना, सूरज अस्त पहाड़ी मस्त, इधर भी बहुत बुरा हाल है,
दो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने आईआर में पढ़े हों, तो मुझे नहीं पता कि आपने पढ़े कि नहीं पढ़े, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन क्रिसेंट आपका डेवलप है ये वाला एरिया जितना भी पंजाब से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें आपका ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला जितना हिस्सा है, इस क्षेत्र में अफीम की खेती होती है और मादक पदार्थों की तस्करी होती है बड़े स्तर पे, हीरोइन की, है ना, अफीम की, चरस की, गांजा की, बड़े स्तर पे ट्रैफिकिंग होती है। सीमा पार से बड़े स्तर पे हीरोइन वगैरह ऐसे फेंक दी जाती हैं एक खेत से दूसरे खेत में, ठीक है। वहाँ पे बॉर्डर है, वहाँ से बढ़िया कुछ लोग होते हैं भाला पे एक चक्का फेंक वाले, तो वहाँ से फेंकते हैं और भारत के खेतों में गिर जाता है। एक किलो हीरोइन गिर गया, अच्छा खासा तस्करी होता है। तो ऐसे सीमा पार तो देखते हैं पूरा पंजाब का युवा बड़े स्तर पे नशेखोरी से, पंजाब बड़े स्तर पे परेशान है, ठीक है। दिन भर युवाओं के कोई काम नहीं है, लिए इंजेक्शन पड़े हुए हैं, दूध हैं, ठीक। रिच स्टेट है ये। इसी प्रकार की समस्या पूर्वोत्तर, यहाँ पे है गोल्डन ट्रायंगल, ये थाईलैंड आपका, लाओस और कंबोडिया, ये तीनों को मिला देते हैं, गोल्डन ट्रायंगल बनता है। और यहाँ पर भी बड़े स्तर पे मादक पदार्थों की तस्करी होती है, तो इनके कारण से इनका प्रभाव है बॉर्डर पार, जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मादक पदार्थ, जब इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा मैं उसमें। तो प्रॉपरली जो है इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट सनराइज चलाया है। युवाओं को इंजेक्शन लेने के कारण एड्स जैसी समस्याएं बड़े स्तर पर निकल के आ रही हैं, ठीक है। निडल्स जो होती हैं, उन निडल्स को आपने यूज किया और वही निडल्स दूसरा युवा यूज कर रहा है, समझ रहे हैं। तो नशे के कारण से, तो जिसके कारण से एड्स जैसी समस्याएं बड़े स्तर पे पूर्वोत्तर में बढ़ रही हैं, तो प्रोजेक्ट सनराइज शुरू किया गया है उसके लिए, ठीक है। उन्नत वेबसाइट एक बनाई गई है, ये वेबसाइट नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग की वेबसाइट द्वारा ये लॉन्च की गई है, और इसके तहत उन्नत वेबसाइट के द्वारा जितने भी एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनके जुड़े हुए सभी जानकारियाँ, उनके सुरक्षा के उपाय, उनके संवैधानिक उपाय उन्नत वेबसाइट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये टोटल जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये अभी का पूरा करंट अफेयर्स का सेक्शन है, समझ में। तो इसको दो बार तीन बार देखिएगा, बेहतर यही होगा। एग्जाम से पहले रामबाण काम करेगा आपका, ठीक है, एग्जाम से पहले यही काम करेगा और कुछ काम नहीं करेगा, ये भी बता दे रहा हूँ। ढूंढोगे आप लोग, ऐसा मटेरियल नहीं मिल पाएगा। तो अभी हो सकता है कि बहुत सारा चूंकि कंटेंट था, मैं इसको व्यक्तिगत तौर पे इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैंने लगातार 15 घंटे से काम करने के बाद लगातार 3-4 घंटे आपके सामने बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि मेरे दिमाग की क्या हालत है, रात से मैं सोच रहा हूँ कि मैं सुबह क्लास ले पाऊँगा, करवा पाऊँगा कि नहीं करवा पाऊँगा, क्योंकि ये डेटा बहुत ज़्यादा है और ब्रेन की कैपेसिटी होती है। तो इसको आपको थोड़े थोड़े ब्रेक करके इसको पूरा कंटेंट को समझना है। इसमें जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, मेरी जहाँ तक जितनी जिम्मेदारी है, जितना भी आपका करंट योजनाओं से आएगा इससे निकल आएगा। कोशिश ये है कि मैं अभी बीपीएस, अभी लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है एक तो ये, और दूसरा बिहार पीसीएस का आपका एग्ज़ाम है, उससे पहले करंट अफेयर्स का एक फाइनल पूरा जितना अभी तक का अद्यतन दूंगा, जिसमें पूरा करंट अफेयर्स होगा कम्प्लीट, ठीक है। किस दिन अब मूड खटकता है उसके ऊपर है। तो आपका काम है कि इसको 2-3 बार देखना, और देखने के बाद जो है इसकी जितनी भी चीज़ें हैं, यदि नोट्स बना सको तो बहुत अच्छा है। इसमें लगभग 200 योजनाएं हैं, ठीक है, आप एक बार इसको कर लीजिएगा। लगभग मुझे मोटा मोटी 200 योजनाएं एक जगह पे, और 2 घंटे की क्लास हुई हमारी, 2 घंटे की क्लास में हम ये पूरी योजनाएं पा चुके हैं। तो 2 घंटे को यदि आप 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपका पूरा काम हो जाना है, ठीक है ना। तो इसको बार बार देखना है, 2-3 बार देखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक। चलो।